नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है मेरी यार की शादी है। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी यार की शादी है का अनुवाद इट्स माई फ्रेंड्स डेबी वेडिंग ये है। ये एक बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 2002 में रिलीज हुई। इसका निर्देशन संजय गांधी द्वारा निर्देशित किया गया था और इसे प्रसिद्ध यश चोपड़ा और उनके बेटे आदित्य चोपड़ा था उनके बैनर तले यश राज फिल्म्स के तहत निर्मित किया गया था। फिल्म में उदय चोपड़ा, तुलिप जोशी और जिमी शर्गिल जैसे विशेष मखसूस मुख्य भूमिकाओं में। ये इसकी कहानी 1997 की रिलीज हुई हॉलीवुड रोमांटिक कॉप माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग के फ्रेंड लेती है। संजय मल्होत्रा उदय चोपड़ा एक लापरवाह युवक है जो अपने दोस्त रिया विश्वास बसु के साथ मुंबई में रहता है। उसे अपनी बचपन के दोस्त अंजलि शर्मा टूलिट जोशी का फोन आता है जो उसे ये खबर देखकर चौंक देती है कि वो शादी कर रही है। तो दुर्भाग्य से संजय सालों से अंजलि से प्यार करता है। ईशालू और रास संजय जंजाली से शादी है रोकने की इरादे से उसके गृह देहरादून की ओर जाती है। जो अंजलि के रोहित और नाजिस्मी शर्गिल मिलता है और उसकी आकर्षक और सफलता से तुरंत भयभीत हो जाता है। संजय रोहित के बारे में अफवाहें फैलाकर अंजलि के साथ छेड़खानी करने शादी करवाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी योजना विफल हो जाता है। शादी के पूर्व संध्या पर संजय ने आखिरकार अंजलि के अपने प्यार का इजहार कर दिया। वो उसके हाथ हाव-भाव से प्रभावित हो जाते हैं लेकिन वो उसके कहते हैं कि वो रोहित से प्यार करता है और उसे शादी करने खुश हो जाता है। संजय का दिल टूट जाता है लेकिन वो उसके फैसले को स्वीकार करता है और वो अतिथि के रूप में शादी में शामिल होती है। शादी समारोह के दौरान अंजलि को एहसास होता है कि वो संजय से प्यार करती है। वो शादी से भाग जाती है और उसे ढूंढने के लिए मुंबई जाती है। संजय उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की इजहार कर दिया जाता है। फिल्म संजय अंजलि की शादी के साथ सप्ताह होती है। समीत जो एक अच्छा खिलाड़ी है उनके रिश्ते को स्वीकार करता है और यहाँ तक कि उनकी शादी में भाग ले तो भी करता है। ये मेरा शादी है मेरा मन महत्वपूर्ण कथानक के साथ एक हल्की फुल्की और मनोरंजन फिल्म है। कथानी फिल्म की अच्छी बनी है और इसमें कुछ आकर्षक भान भी है। कलाकारों अभिनय की सराहना है, खासकर उदय चोपड़ा और तुलिप जोशी मिलाकर ये मेरा यार की शादी एक मज़ेदार फिल्म है जो रोमांटिक कॉमेडी के प्रशंसकों को निश्चित रूप से खुश करेंगे। फिल्म दोस्तों के एक समूह पर केंद्रित है जो उनकी दिग्गजी का गलत टाइमिंग के एक क्लासिक मामले के उलझा जाता है। उदय चोपड़ा ने संजय मल्होत्रा की भूमिका निभाई जो एक लापरवाह युवक है जो अपनी रूममेट रिया के साथ मुंबई में अपने कुमारी जीवन के संतुष्ट जिसका किरदार बिपाशा बासु ने निभाया है। इनका आसान चिंचर्या तब बाधित हो जाता है जब संजय को जीवन बदलाने की लाय भवन कॉल आता है। ये उनकी बचपन की दोस्त अंजलि शर्मा है जिसका किरदार भावनात्मक तुलिप जोशी ने निभाया है और उनकी शादी होने वाली ये खबर संजय के परेशानी में डाल देता है। इसे अंजलि के लिए अपनी भागवाड़ी भावनाओं का एहसास होता है लेकिन वर्षों के दोस्ती से उसे कबूल करने की रोक दिया जाता है। इस बीच अंजलि जिमी शर्गिल द्वारा अभिनीत रोहित खन्ना ने शादी करने की तैयारी कर रहे हैं जैसे प्रतीत होता है कि रोहित वो सब कुछ कर रहे हैं जो लड़कियों चाहते हैं। आकर्षक बल हो जाते अंजलि के लिए एकदम सही। हालांकि अंजलि की अगमत योजना के बाधा उत्पन्न होती है जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही है संजय अपनी भावनाओं के जुदा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जटिल चिंती से कैसे निपट जाए। जब संजय अंजलि का दिल जीतने की यात्रा पर निकलते हैं उसे पहले की बहुत देर हो जाए या रिया उसकी हमेशा सहयोग करने वाली विश्वापात्र रहस्य उद्घाटन राहत और सहारा देने लिए एक कंधा प्रदान करते हैं। मेरे प्यार की शादी है यश राज फिल्म्स के तहत के लिए लाभदायक खास साबित हुई इसमें दुनिया भर में 30 करोड़ की अधिक की कमाई की। इस सफलता का श्रेय मनोरंजन तो के उत्तम मिश्रण के दिया जा सकते हैं। अनु मालिक द्वारा रचित सिनेमा के संगीत शीर्षक के ट्रैक और दिल डोलर जैसे आकर्षक धुनों के साथ चार्टबस्टर बन गया है। स्थापित और उतरे हुए अभिनेताओं के मिशन वाले कलाकारों के दमदार प्रदर्शन किया। उदय चोपड़ा विशाल आशु जिमी शर्गिल और नवंतुक रूपेंट जोशो की अपने किरदारों के जीवंत कर दिया है जिसमें कहानी दर्शकों के लिए प्रशंसनीय बन गया है। फिल्म का घरेलू प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली या भारत में धदोम आकटी से अधिक कमाई करने वाली फिल्म रूप से स्थान पर उभरी है जिसमें 24 करोड़ के अधिक की कमाई की। ये सफलता युवाओं के प्रति उसकी मजबूत अपील ने उसकी ऊपरी प्यार दोस्ती तोड़ी उलझान के बारे में हल्की फुल्की कहानी युवा दर्शकों को पसंद आई है। फिल्म के आकर्षक संगीत ने इसकी पहुंच की और बढ़ापा दिया युवा दर्शकों को सिनेमाघरों का तक खींचा। मेरे प्यार की शादी है को विदेश में भी सफलता मिली इसमें वैश्विक स्तर पर 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। यूनाइटेड किंगडम्स के विशाल भारत प्रवासी ने इस उपलब्धि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
फिल्म की प्रासंगिक कहानी और प्यार को दोस्ती के परिचित विषयों के साथ साथ आकर्षक संगीत के विदेशी भारत दर्शकों को प्रभावित किया। विशेष रूप में फिल्म ने अकेले यूके में 263,000 अधिक की कमाई की। फूल मिलाकर मेरे प्यार की शादी में बॉक्स ऑफिस सफलता ने उभरते सितारों के रूप में उतनी प्रमुख अभिनेताओं की स्थिति को मजबूत किया और दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक मनोरंजक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में अपनी जगह पक्की की। गंगा शांति की एक बिगर गवरा के प्रतीन शहर के होकर बहती है। उसकी कोमल धनी और राय खन्ना के जीवन में एक निरंतर संगीत है। एक प्रसिद्ध लावला वादक राव की उंगलियों टकरी आंखों के लेकर परिणित करती थी। लयबुद्ध ताल और माध्यम से प्रेम और लालसा की कहानियों बुनती थी। फिर भी उसका अपना हृदय एक अनबजय हुआ रंगा बना रहा था। खोए हुए अतीत के प्रेम के कारण तार मोन गए थे। 10 साल पहले उसकी प्रियतमा अंजलि ने अपनी अभरती हुई और कहानी बजाई की दुनिया भर में प्रसिद्ध पाने की जीवन बुना चुका है। एक ताकती दोपहरों में जैसे हवारा ब्रिज के हलचल भरे झुलझुल रहा था, राय की दुनिया के अस्त बस्त किरानों के सामान की टक्कर और घबरा हुई माफी से अस्त बस्त हो गई है। उन्होंने खुद को तारा खन्ना के आमने सामने पाया। एक ऐसी महिला जिसमें उग्र आत्मा उसके साथे पर लगी गई लाल रंग की बिंदी को प्रतिबिंबित करती थी। एक असंमित मुलाकात जो शायद ही नियति दूसरे कृत्यों की योजना बना रही है। तारा एक प्रसिद्ध एडीसी विज्ञान की एक दशक के बारे में अपनी बचपन के शहर की परिचित के सांत्वना की तलाश में हावड़ा लौट आई थी। उनका करियर जो एक समय ऊंची उड़ान भर रहा था, घंटे घुटने की गंभीर चोट के कारण एक रुका गया। वो शहर जो कभी उसके जीवन सपनों का कैनवास था, अब उनके नुकसान के खेकलेपन को गूंज रहा उठा था। उनके प्रारंभिक बातचीत झिझक भरे भ्रष्टाचार से भरे उठी थी। राय तारा की उग्र भावना और उसकी आंखों में चमकती आंसुओं से मोहित होकर उसने लिए एक चरणा लिखने के लिए खुद को तैयार किया। वह तबले के लिए बुद्ध तान तारा के तुरंत दमदूरी तूफान भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हुए प्रभावित हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखों बंद किए संगीत में खींच हो गई। उसका शरीर एक बार झिझक रहे उठे। हरकत करने वाला अस्थायी बोलबाला एक सुंदर समुद्री डाकू उसके भीतर की नर्तकी उजग उठा। दिन हफ्तों में बदल गए। उनकी दोपहर गंग किनारे चौराहे गए क्षणों में बीत गई। राय ने अपनी सौम्य प्रतिहित में तारा के भीतर नित्यों की चिंगारी फिर से जग उठी। उन्होंने उसकी सुरक्षाओं की एक ताकत खोई, एक लीचेपन जो गंगा की एकदम भावना के प्रतिबिंबित करता था। तारा ने बदले में संगीत की तीव्र प्रति एक जुनून का पता चलाया जिसे वो उसी जानती थी। राय की खूने उनकी प्रतिबिंबित का विस्तार बन गई। उनकी आत्माओं के बीच बातचीत एक बारिश में भीगी शाम ट्रिस्ट लैब की मंद चमक ने राय ने अपनी बढ़ती भावनाओं को कबूल किया। तारा पहले तो झिझक वही थी क्योंकि उसका अतीत एक निरंतर साझा था। अंत में उससे अपनी तर्सकता छोड़ दी। बारिश की लय उनकी अपनी निजी सेरेनोट बन गई जो शहर की अराजकता के बीच मनप रही एक प्रेम कहानी का प्रमाण है। हालांकि उनका नया प्यार चुनौतियों से रहित नहीं था। सामाजिक उपेक्षा विशेष रूप से राय के परिवारवादी परिवार के एक संगीतकार और एक नर्तक के बीच के रिश्ते को नापसंद करती थी। दोनों अपने चरम पर थे। तारा का आत्म संदेह उनकी चोट के कारण भड़का, उसके जुनून की लो की बुझाने की धमकी दी है। हमेशा आशावादी रहने वाली राय ने एक विशेष प्रस्तुति की रचना करने वाले निर्णय लिया। उन्होंने तारा को न केवल अपने शरीर के साथ बल्कि अपने आत्मा के साथ नृत्य करते हुए देखा। उन्होंने स्थानीय संगीतकार के साथ मिलकर धनी की एक ऐसी ट्रेपेस्ट्री बुनी जिसमें हरा का सार शामिल था। स्ट्रीम का लयबद्ध गड़गड़ाहट उसका किकृताओं की भावपूर्ण खींचा। गंगा की कोमल कमल कलकल ध्वनि प्रदर्शन की रात आ गई। हवा प्रकाश में भर गई। कमकीले लाल रंग की साड़ी में सजी तारा मंच की खींचे पड़ी थी। उसकी आंखों में डर की झलकती राय में उसका हाथ हवराया। उसका मौन समर्थन ताकत और स्रोत बन गया। जैसे ही संगीत के पहले स्वर गूंजे तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जाने दिया। उसकी गतिविधियों अंग्रहों को तकरी सिक्रिया की जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। उन्होंने सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए राय के लिए उसके प्यार अनित्व का जिसमें उसके भीतर आग की ओर फिर से आगाज किया था। उनके बाद उनके लिए गड़गड़ाहट गूंज उठी। तारा की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं विजय के आंसू। उसने ना केवल अपनी डर पर विजय पा ली बल्कि नित्य के आनंद के से खोज लिया था। राय की आंखों में उसने सिर्फ प्यार नहीं बल्कि प्रशंसा और सम्मान देखा। अपने उसकी कमजोरी की देखा जो उसके ताकत को पोषण किया था। उनके एक साथ यात्रा कोई परिक्रिया नहीं थी। आत्मसंदेह सामाजिक दबाव और तारा की सीमाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई के दिन थे। फिर भी उनकी प्रेम कहानी गंगा की तरह हर तूफान का सामना करना था। राय ने रचना करना जारी रखा। उसने संगीत से तारा और अटूट भावना से प्रतीत एक नया उत्साह था। हालांकि
तारा भव्य मंचों पर प्रदर्शन करने में असमर्थ थी, लेकिन उसे नृत्यों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवा लड़कियों के सिखाने में सांत्वना मिली। वर्षों बाद गंगा के सामने एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे राय ने तारा की उत्साही लड़कियों के एक समूह को बढ़ाते देखा। उसके हृदय के लहरा की एक कमजोर थी, फिर भी उसने वही उपभोक्ता जुनून था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई क्योंकि वो एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं थी। अंजलि को एहसास होता है कि वो संजय से प्यार करती है। वो शादी से भाग जाती और उसे ढूंढने के लिए मुंबई जाती है। संजय उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की जाहिर कर दिया जाता है। फिल्म संजय अंजलि की शादी के साथ सप्ताह होती है। समीत जो एक अच्छा खिलाड़ी है उनके रिश्ते को स्वीकार करता है और यहाँ तक कि उनकी शादी में भाग ले तो भी करता है। ये मेरा शादी है मेरा मन महत्वपूर्ण कथानक के साथ एक हल्की फुल्की और मनोरंजन फिल्म है। कथानी फिल्म की अच्छी बनी है और इसमें कुछ आकर्षक भान भी है। कलाकारों अभिनय की सराहना है, खासकर उदय चोपड़ा और तुलिप जोशी मिलाकर ये मेरा यार की शादी एक मज़ेदार फिल्म है जो रोमांटिक कॉमेडी के प्रशंसकों को निश्चित रूप से खुश करेंगी। फिल्म दोस्तों के एक समूह पर केंद्रित है जो उनकी दिग्गजी का गलत टाइमिंग के एक क्लासिक मामले के उलझा जाता है। उदय चोपड़ा ने संजय मल्होत्रा की भूमिका निभाई जो एक लापरवाही युवक है जो अपनी रूममेट रिया के साथ मुंबई में अपने कुमारी जीवन के संतुष्ट जिसका किरदार बिपाशा बासु ने निभाया है। जिनका आसान चिंचर्या तब बाधित हो जाता है जब संजय को जीवन बदलाने की लाय भवन कॉल आता है। ये उनकी बचपन की दोस्त अंजलि शर्मा है जिसका किरदार भावनात्मक तुलिप जोशी ने निभाया है और उनकी शादी होने वाली ये खबर संजय के परेशानी में डाल देता है। उसे अंजलि के लिए अपनी भागवाड़ी भावनाओं का एहसास होता है लेकिन वर्षों के दोस्ती से उसे कबूल करने की रोक दिया जाता है। इस बीच अंजलि जिमी शर्गिल द्वारा अभिनीत रोहित खन्ना ने शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्रतीत होता है कि रोहित वो सब कुछ कर रहे हैं जो लड़कियों चाहते हैं। आकर्षक बल हो जाते अंजलि के लिए एकदम सही। हालांकि अंजलि की अगमत योजना के बाधा उत्पन्न होती है। जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही है संजय अपनी भावनाओं के जुदा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जटिल चिंती से कैसे निपट जाए। जब संजय अंजलि का दिल जीतने की यात्रा पर निकलते हैं उसे पहले की बहुत देर हो जाए। यारिया उसकी हमेशा सहयोग करने वाली विश्वपात्र रहस्य उद्घाटन राहत और सहारा देने लिए एक कंधा प्रदान करते हैं। मेरे प्यार की शादी है यश राज फिल्म्स के तहत के लिए लाभदायक खास साबित हुई जिसमें दुनिया भर में 30 करोड़ की अधिक की कमाई की। इस सफलता का श्रेय मनोरंजन तो के उत्तम मिश्रण के दिया जा सकते हैं। अनु मालिक द्वारा रचित सिनेमा के संगीत शीर्षक के ट्रैक और दिल डोलर जैसे आकर्षक धुनों के साथ चार्टबस्टर बन गया है। स्थापित और उतरे हुए अभिनेताओं के मिशन वाले कलाकारों के दमदार प्रदर्शन किया। उदय चोपड़ा विशाल आशु जिमी शर्गिल और मंतुक ब्लूप्रिंट जोशो की अपने किरदारों के जीवंत कर दिया है जिसमें कहानी दर्शकों के लिए प्रशंसनीय बन गया है। फिल्म का घरेलू प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली या भारत में से अधिक कमाई करने वाली फिल्म रूप से स्थान पर उभरी है जिसमें 24 करोड़ के अधिक की कमाई की। ये सफलता युवाओं के प्रति उसकी मजबूत अपील ने उसकी ऊपरी प्यार दोस्ती थोड़ी उलझान के बारे में हल्की फुल्की कहानी युवा दर्शकों के पसंद आई है। फिल्म के आकर्षक संगीत ने इसकी पहुंच की और बढ़ापा दिया युवा दर्शकों को सिनेमाघरों का तक खींचा। मेरे प्यार की शादी है को देश में भी सफलता मिली जिसमें वैश्विक स्तर पर 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। यूनाइटेड किंगडम के विशाल भारत प्रवासी ने इस उपलब्धि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की प्रासंगिक कहानी और प्यार को दोस्ती के परिचित विषयों के साथ साथ आकर्षक संगीत के विदेशी भारत दर्शकों को प्रभावित किया। विशेष रूप में फिल्म ने अकेले यूके में 263,000 अधिक की कमाई की। फुल मिलाकर मेरे प्यार की शादी में बॉक्स ऑफिस सफलता ने उभरते सितारों के रूप में उतनी प्रमुख अभिनेताओं की स्थिति को मजबूत किया और दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक मनोरंजक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में अपनी जगह पक्की की। गंगा शांति की एक बिगर गवरा के प्रतीन शहर के होकर बहती है। उसकी कोमल धनी और राय खन्ना के जीवन में एक निरंतर संगीत है। एक प्रसिद्ध लावला बादक राव की उंगलियों टकरी आँखों के लेकर पर नृत्य करती थी। लयबुद्ध ताल और माध्यम से प्रेम और लालसा की कहानियों बुनती थी। फिर भी उसका अपना हृदय एक अनबजय हुआ रंगा बना रहा था। खोए हुए अतीत के प्रेम के कारण तार मोड़ गए थे। 10 साल पहले उसकी प्रियतमा अंजलि ने अपनी अभरती हुई और कहानी बजाय की दुनिया भर में प्रसिद्ध पाने की जीवन बना चुका है। एक ताकती दोपहरों में जैसे हवारा ब्रिज के हलचल भरे झुल रहा था राय की दुनिया के अस्त बस्त किरानों के सामान की टक्कर और घबरा हुई माफी से अस्त बस्त हो गई है। उन्होंने खुद को तारा खन्ना के आमने सामने पाया। एक ऐसी महिला जिसमें उग्र आत्मा उसके साथे पर लगी गई लाल रंग की बिंदी को प्रतिबिंबित करती थी। एक असंभवित मुलाकात जो शायद ही नियति दूसरे कृत्यों की योजना बना रही है। तारा एक प्रसिद्ध एडीसी नृत्यज्ञान के एक दशक के बारे में अपनी बचपन के शहर की परिचित मात्र
के सांत्वना की तलाश में हावड़ा लौट आई थी। उनका करियर जो एक समय ऊंची उड़ान भर रहा था, घंटे घुटने की गंभीर चोट के कारण एक रुका गया। वो शहर जो कभी उसके जीवन सपनों का कैनवास था, अब उनके नुकसान के खेखलेपन को गूंज रहा उठा था। उनके प्रारंभिक बातचीत झिझक भरे भ्रष्टाचार से भरे उठी थी। राय तारा की उग्र भावना और उसकी आंखों में चमकती आंसुओं से मोहित होकर उसने लिए एक चरणा लिखने के लिए खुद को तैयार किया। वह तबले के लिए बुद्ध तान तारा के तुरंत दमदूरी तूफान भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हुए प्रभावित हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखों बंद किए संगीत में खींच हो गई, उसका शरीर एक बार झिझक रहे उठे। हरकत करने वाला अस्थायी बोलबाला एक सुंदर समुद्री डाकू उसके भीतर की नर्तकी उजग उठा। दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी दोपहर गांग किनारे चौराहे गए क्षणों में बीत गई। राय ने अपनी सौम्य प्रतिहित में तारा के भीतर नित्यों की चिंगारी फिर से जग उठी। उन्होंने उसकी सुरक्षाओं की एक ताकत खोई, एक लीचेपन जो गंगा की एकदम भावना के प्रतिबिंबित करता था। तारा ने बदले में संगीत की तीव्र प्रति एक जुनून का पता चलाया जिसे वो उसी जानती थी। राय की खूने उनकी प्रतिबिंबित का विस्तार बन गई। उनकी आत्माओं के बीच बातचीत एक बारिश में भीगी शाम ट्रिस्ट लैब की मंद चमक ने राय ने अपनी बढ़ती भावनाओं को कबूल किया। तारा पहले तो झिझक वही थी क्योंकि उसका अतीत एक निरंतर साझा था, अंत में उससे अपनी तर्सकता छोड़ दी। बारिश की लय उनकी अपनी निजी सेरेनोट बन गई जो शहर की अराजकता के बीच मनप रही एक प्रेम कहानी का प्रमाण है। हालांकि उनका नया प्यार चुनौतियों से विरहित नहीं था। सामाजिक उपेक्षा, विशेष रूप से राय के परिवारवादी परिवार के एक संगीतकार और एक नर्तक के बीच के रिश्ते को नापसंद करती थी। दोनों अपने चरम पर थे। तारा का आत्म संदेह उनकी चोट के कारण भड़का, उसके जुनून की लो की बुझाने की धमकी दी है। हमेशा आशावादी रहने वाली राय ने एक विशेष प्रस्तुति की रचना करने वाले निर्णय लिया। उन्होंने तारा को न केवल अपने शरीर के साथ बल्कि अपने आत्मा के साथ नृत्य करते हुए देखा। उन्होंने स्थानीय संगीतकार के साथ मिलकर धनी की एक ऐसी ट्रेपेस्ट्री बुनी जिसमें हरा का सार शामिल था। स्ट्रीम का लयबद्ध गड़गड़ाहट उसका कृतज्ञताओं की भावपूर्ण खींचा। गंगा की कोमल कमल कलकल ध्वनि प्रदर्शन की रात आ गई, हवा प्रकाश में भर गई। कनकीले लाल रंग की साड़ी में सजी तारा मंच की खींचे पड़ी थी। उसकी आंखों में डर की झलकती राय में उसका हाथ हवराया, उसका मौन समर्थन ताकत और स्रोत बन गया। जैसे ही संगीत के पहले स्वर गूंजे, तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जाने दिया। उसकी गतिविधियों अंग्रहों को तकलीफ स्वीकार की जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। उन्होंने सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए राय के लिए उसके प्यार अनित्व का जिसमें उसके भीतर आग को फिर से आगा दिया था। उनके बाद उनके लिए गड़गड़ाहट गूंज उठी। तारा की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं विजय के आंसू। उसने ना केवल अपनी डर पर विजय पा ली बल्कि नित्य के आनंद के से खोज लिया था। राय की आंखों में उसने सिर्फ प्यार नहीं बल्कि प्रशंसा और सम्मान देखा, अपने उसकी कमजोरी की देखा जो उसके ताकत को पोषण किया था। उनके एक साथ यात्रा कोई परिक्रिया नहीं थी, आत्मसंदेह सामाजिक दबाव और तारा की सीमाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई के दिन थे। फिर भी उनकी प्रेम कहानी गंगा की तरह हर तूफान का सामना करना था। राय ने रचना करना जारी रखा, उसने संगीत से तारा और अटूट भावना से प्रतीत एक नया उत्साह था। हालांकि तारा भव्य मंचों पर प्रदर्शन करने में असमर्थ थी, लेकिन उसे नृत्यों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवा लड़कियों के सिखाने में सांत्वना मिली। वर्षों बाद गंगा के सामने एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे राय ने तारा की उत्साही लड़कियों के एक समूह को बढ़ाते देखा। उसके एक हृदय के लहरा की एक कमजोर थी, फिर भी उसने वही उपभोक्ता जुनून था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई क्योंकि वो एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं थी। अंजलि को एहसास होता है कि वो संजय से प्यार करती है। वो शादी से भाग जाती है और उसे ढूंढने के लिए मुंबई जाती है। संजय उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की जाहिर कर दिया जाता है। फिल्म संजय अंजलि की शादी के साथ सप्ताह होती है। समीत जो एक अच्छा खिलाड़ी है उनके रिश्ते को स्वीकार करता है और यहाँ तक कि उनकी शादी में भाग लेने तो भी करता है। ये मेरा शादी है मेरा मन महत्वपूर्ण कथानक के साथ एक हल्की फुल्की और मनोरंजन फिल्म है। कथानी फिल्म की अच्छी बनी है और इसमें कुछ आकर्षक भान भी है। कलाकारों अभिनय की सराहना है, खासकर उदय चोपड़ा और तुलिप जोशी मिलाकर ये मेरा यार की शादी एक मजेदार फिल्म है जो रोमांटिक कॉमेडी के प्रशंसकों को निश्चित रूप से खुश करेंगी। फिल्म दोस्तों के एक समूह पर केंद्रित है जो उनकी दिग्गजी का गलत टाइमिंग के एक क्लासिक मामले के उलझा जाता है। उदय चोपड़ा ने संजय मल्होत्रा की भूमिका निभाई जो एक लापरवाह युवक है जो अपनी रूममेट रिया के साथ मुंबई में अपने कुमारी जीवन के संतुष्ट जिसका किरदार बिपाशा बासु ने निभाया है। जिनका आसान चिंचर्या तब बाधित हो जाता है जब संजय को जीवन बदलाने की लाइव फोन कॉल आता है। ये उनकी बचपन
की दोस्त अंजलि शर्मा है, जिसका किरदार भावनात्मक टुलिप जोशी ने निभाया है, और उनकी शादी होने वाली ये खबर संजय के परेशानी में डाल देता है। उसे अंजलि के लिए अपनी भागवारी भावनाओं का एहसास होता है, लेकिन वर्षों के दोस्ती से उसे कबूल करने की रोक दिया जाता है। इस बीच अंजलि जिमी शर्गिल द्वारा अभिनीत रोहित खन्ना ने शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्रतीत होता है कि रोहित वो सब कुछ कर रहे हैं जो लड़कियों चाहते हैं, आकर्षक बल हो जाते अंजलि के लिए एकदम सही। हालांकि अंजलि की अगमत योजना के बाधा उत्पन्न होती है, जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही है संजय अपनी भावनाओं के जुदा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जटिल चिंती से कैसे निपट जाए। जब संजय अंजलि का दिल जीतने की यात्रा पर निकलते हैं, उसे पहले की बहुत देर हो जाए, यारिया उसकी हमेशा सहयोग करने वाली विश्वापात्र रहस्य उद्घाटन राहत और सहारा देने लिए एक कंधा प्रदान करते हैं। मेरे प्यार की शादी है यश राज फिल्म्स के तहत के लिए लाभदायक खास साबित हुई, इसमें दुनिया भर में 30 करोड़ की अधिक की कमाई की। इस सफलता का श्रेय मनोरंजन तो के उत्तम मिश्रण के दिया जा सकते हैं। अनु मालिक द्वारा रचित सिनेमा के संगीत शीर्षक के ट्रैक और दिल डोलर जैसे आकर्षक धुनों के साथ चार्टबस्टर बन गया है। स्थापित और उतरे हुए अभिनेताओं के मिशन वाले कलाकारों के दमदार प्रदर्शन किया। उदय चोपड़ा, विशाल आशु, जिमी शर्गिल और मंतुक रूपेंट जोशो की अपने किरदारों के जीवंत कर दिया है, जिसमें कहानी दर्शकों के लिए प्रासंगिक बन गया है। फिल्म का घरेलू प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली या भारत में से अधिक कमाई करने वाली फिल्म रूप से स्थान पर उभरी है, जिसमें 24 करोड़ के अधिक की कमाई की। ये सफलता युवाओं के प्रति उसकी मजबूत अपील ने उसकी ऊपरी प्यार दोस्ती थोड़ी उलझान के बारे में हल्की फुल्की कहानी युवा दर्शकों को पसंद आई है। फिल्म के आकर्षक संगीत ने इसकी पहुंच की और बढ़ापा दिया, युवा दर्शकों को सिनेमाघरों का तक खींचा। मेरे प्यार की शादी है को देश में भी सफलता मिली, इसमें वैश्विक स्तर पर 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। यूनाइटेड किंगडम के विशाल भारत प्रवासी ने इस उपलब्धि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की प्रासंगिक कहानी और प्यार को दोस्ती के परिचित विषयों के साथ साथ आकर्षक संगीत के विदेशी भारत दर्शकों को प्रभावित किया। विशेष रूप में फिल्म ने अकेले यूके में 263,000 अधिक की कमाई की। फूल मिलाकर मेरे प्यार की शादी में बॉक्स ऑफिस सफलता ने उभरते सितारों के रूप में उतनी प्रमुख अभिनेताओं की स्थिति को मजबूत किया और दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक मनोरंजक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में अपनी जगह पक्की की। गंगा शांति की एक बिगर गवरा के प्रतीन शहर के होकर बहती है, उसकी कोमल ध्वनि और राय खन्ना के जीवन में एक निरंतर संगीत है। एक प्रसिद्ध लावला बादक राव की उंगलियों टकरी आँखों के लेकर परिनित्व करती थी, लयबुद्ध ताल और माध्यम से प्रेम और लालसा की कहानियों बुनती थी, फिर भी उसका अपना हृदय एक अनबजय हुआ रंगा बना रहा था। खोए हुए अतीत के प्रेम के कारण तार मोड़ गए थे। 10 साल पहले उसकी प्रीमियतमा अंजलि ने अपनी अभरती हुई और कहानी बजाय की दुनिया भर में प्रसिद्ध पाने की जीवन बना चुका है। एक ताकती दोपहरों में जैसे हवारा ब्रिज के हलचल भरे दुल्हन रहा था, राय की दुनिया के अस्तबस्त किरानों के सामान की टक्कर और घबरा हुई माफी से अस्तबस्त हो गई है। उन्होंने खुद को तारा खन्ना के आमने सामने पाया, एक ऐसी महिला जिसमें उग्र आत्मा उसके साथे पर लगी गई लाल रंग की बिंदी को प्रतिबिंबित करती थी। एक असंभवित मुलाकात जो शायद ही नियति दूसरे कृत्यों की योजना बना रही है। तारा एक प्रसिद्ध एडीसी विज्ञान की एक दशक के बारे में अपनी बचपन के शहर की परिचित के सांत्वना की तलाश में हावड़ा लौट आई थी। उनका करियर जो एक समय ऊंची उड़ान भर रहा था, घंटे घुटने की गंभीर चोट के कारण एक रुका गया। वो शहर जो कभी उसके जीवन सपनों का कैनवास था, अब उनके नुकसान के खेकलेपन को गूंज रहा उठा था। उनके प्रारंभिक बातचीत झिझक भरे शिष्टाचार से भरे उठी थी। राय तारा की उग्र भावना और उसकी आंखों में चमकती आंसुओं से मोहित होकर उसने लिए एक चरणा लिखने के लिए खुद को तैयार किया। वो तबले के लिए बुद्ध तान तारा के तुरंत दमदूड़ी तूफान भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हुए प्रभावित हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखों बंद किए संगीत में खींच हो गई, उसका शरीर एक बार झिझक रहे उठे। हरकत करने वाला अस्थायी बोलबाला एक सुंदर समुद्री डाकू उसके भीतर की नर्तकी उजग उठा। दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी दोपहर गंग किनारे चौराहे गए क्षणों में बीत गई। राय ने अपनी सौम्य प्रतिहित में तारा के भीतर नित्यों की चिंगारी फिर से जग उठी। उन्होंने उसकी सुरक्षाओं की एक ताकत खोई, एक लीचेपन जो गंगा की एकदम भावना के प्रतिबिंबित करता था। तारा ने बदले में संगीत की तीव्र प्रति एक जुनून का पता चलाया जिसे वो उसी जानती थी। राय की खूने उनकी प्रतिबिंबित का विस्तार बन गई, उनकी आत्माओं के बीच बातचीत। एक बारिश में भीगी शाम ट्रिस्ट लैब की मंद चमक ने राय ने अपनी बढ़ती भावनाओं को कबूल किया। तारा पहले तो झिझक वही थी क्योंकि उसका अतीत एक निरंतर साझा था, अंत में उससे अपनी तर्सकता छोड़ दी। बारिश की लय उनकी अपनी निजी सेरेनोट बन गई जो शहर की
की अराजकता के बीच मनोपुरही एक प्रेम कहानी का प्रमाण है। हालांकि उनका नया प्यार चुनौतियों से विरहित नहीं था, सामाजिक उपेक्षा विशेष रूप से राय के परिवारवादी परिवार के एक संगीतकार और एक नर्तक के बीच के रिश्ते को नापसंद करती थी। दोनों अपने चरम पर थे। तारा का आत्म संदेह उनकी चोट के कारण भड़का, उसके जुनून की लो की बुझाने की धमकी दी है। हमेशा आशावादी रहने वाली रायक ने एक विशेष प्रस्तुति की रचना करने वाले निर्णय लिया। उन्होंने तारा को न केवल अपने शरीर के साथ बल्कि अपने आत्मा के साथ नृत्य करते हुए देखा। उन्होंने स्थानीय संगीतकार के साथ मिलकर धनी की एक ऐसी ट्रेपेस्ट्री बुनी जिसमें हरा का सार शामिल था। स्ट्रीम का लयबद्ध गड़गड़ाहट उसका कृतज्ञताओं की भावपूर्ण खींचा। गंगा की कोमल कमल कलकल ध्वनि प्रदर्शन की रात आ गई। हवा प्रकाश में भर गई। कनकीले लाल रंग की साड़ी में सजी तारा मंच की खींचे पड़ी थी। उसकी आंखों में डर की झलकती राय में उसका हाथ हवराया। उसका मौन समर्थन ताकत और स्रोत बन गया। जैसे ही संगीत के पहले स्वर गूंजे तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जाने दिया। उसकी गतिविधियों अंग्रहों को तकरी सिक्रिया की जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। उन्होंने सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए राय के लिए उसके प्यार अनित्व का जिसमें उसके भीतर आग को फिर से आगा दिया था। उनके बाद उनके लिए गड़गड़ाहट गूंज उठी। तारा की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं विजय के आंसू। उसने ना केवल अपनी डर पर विजय पा ली बल्कि नित्य के आनंद के से खोज लिया था। राय की आंखों में उसने सिर्फ प्यार नहीं बल्कि प्रशंसा और सम्मान देखा। अपने उसकी कमजोरी की देखा जो उसके ताकत को पोषण किया था। उनके एक साथ यात्रा कोई परिक्रिया नहीं थी। आत्मसंदेह सामाजिक दबाव और तारा की सीमाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई के दिन थे। फिर भी उनकी प्रेम कहानी गंगा की तरह हर तूफान का सामना करना था। राय ने रचना करना जारी रखा। उसने संगीत से तारा और अटूट भावना से प्रतीत एक नया उत्साह था। हालांकि तारा भव्य मंचों पर प्रदर्शन करने में असमर्थ थी, लेकिन उसे नृत्यों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवा लड़कियों के सिखाने में सांत्वना मिली। वर्षों बाद गंगा के सामने एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे राय ने तारा की उत्साही लड़कियों के एक समूह को बढ़ाते देखा। उसके हृदय के लड़ा की एक कमजोर थी, फिर भी उसने वही उपभोग जुनून था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई क्योंकि वो एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं थी। अंजलि को एहसास होता है कि वो संजय से प्यार करती है। वो शादी से भाग जाती है और उसे ढूंढने के लिए मुंबई जाती है। संजय उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की जाहिर कर दिया जाता है। फिल्म संजय अंजलि की शादी के साथ सप्ताह होती है। समीत जो एक अच्छा खिलाड़ी है उनके रिश्ते को स्वीकार करता है और यहाँ तक कि उनकी शादी में भाग लेने तो भी करता है। ये मेरा शादी है मेरा महत्वपूर्ण कथानक के साथ एक हल्की फुल्की और मनोरंजन फिल्म है। कथानी फिल्म की अच्छी बनी है और इसमें कुछ आकर्षक भान भी है। कलाकारों अभिनय की सराहना है, खासकर उदय चोपड़ा और तुलिप जोशी मिलाकर ये मेरा यार की शादी एक मज़ेदार फिल्म है जो रोमांटिक कॉमेडी के प्रशंसकों को निश्चित रूप से खुश करेंगी। फिल्म दोस्तों के एक समूह पर केंद्रित है जो उनकी दिग्गजी का गलत टाइमिंग के एक क्लासिक मामले के उलझा जाता है। उदय चोपड़ा ने संजय मल्होत्रा की भूमिका निभाई जो एक लापरवाही युवक है जो अपनी रूममेट रिया के साथ मुंबई में अपने कुमारी जीवन के संतुष्ट जिसका किरदार बिपाशा बासु ने निभाया है। जिनका आसान चिंचर्या तब बाधित हो जाता है जब संजय को जीवन बदलाने की लाय भवन कॉल आता है। ये उनकी बचपन की दोस्त अंजलि शर्मा है जिसका किरदार भावनात्मक तुलिप जोशी ने निभाया है और उनकी शादी होने वाली ये खबर संजय के परेशानी में डाल देता है। इसे अंजलि के लिए अपनी भागवाड़ी भावनाओं का एहसास होता है लेकिन वर्षों के दोस्ती से उसे कबूल करने की रोक दिया जाता है। इस बीच अंजलि जिमी शर्गिल द्वारा अभिनीत रोहित खन्ना ने शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्रतीत होता है कि रोहित वो सब कुछ कर रहा है जो लड़कियों चाहते हैं। आकर्षक बपल हो जाते अंजलि के लिए एकदम सही। हालांकि अंजलि की अगमत योजना के बाधा उत्पन्न होती है। जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही है संजय अपनी भावनाओं के जुदा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जटिल चिंती से कैसे निपट जाए। जब संजय अंजलि का दिल जीतने की यात्रा पर निकलते हैं उसे पहले की बहुत देर हो जाए। यारिया उसकी हमेशा सहयोग करने वाली विश्वपात्र रहस्य उद्घाटन राहत और सहारा देने लिए एक कंधा प्रदान करते हैं। मेरे प्यार की शादी है यश राज फिल्म्स के तहत के लिए लाभदायक खास साबित हुई इसमें दुनिया भर में 30 करोड़ की अधिक की कमाई की। इस सफलता का श्रेय मनोरंजन तो के उत्तम मिश्रण के दिया जा सकते हैं। अनु मालिक द्वारा रचित सिनेमा के संगीत शीर्षक के ट्रैक और दिल डोलर जैसे आकर्षक धुनों के साथ चार्टबास्टर बन गया है। स्थापित और उतरे हुए अभिनेताओं के मिशन वाले कलाकारों के दमदार प्रदर्शन किया। उदय चोपड़ा विशाल आशु जिमी शर्गिल और नवंतुक रूपेंट जोशो की अपने किरदारों के जीवंत कर दिया है जिसमें कहानी दर्शकों के लिए प्रासंगिक बन गया है। फिल्म का घरेलू प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली या भारत में
से अधिक कमाई करने वाली फिल्म रूप से स्थान पर उभरी है, जिसमें 24 करोड़ के अधिक की कमाई की। ये सफलता युवाओं के प्रति उसकी मजबूत अपील ने उसकी ऊपरी प्यार दोस्ती थोड़ी रुझान के बारे में हल्की फुल्की कहानी युवा दर्शकों को पसंद आई है। फिल्म के आकर्षक संगीत ने इसकी पहुँच की और बढ़ापा दिया, युवा दर्शकों को सिनेमाघरों का तक खींचा। मेरे प्यार की शादी है को विदेश में भी सफलता मिली, इसमें वैश्विक स्तर पर 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। यूनाइटेड किंगडम के विशाल भारत प्रवासी ने इस उपलब्धि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की प्रासंगिक कहानी और प्यार को दोस्ती के परिचित विषयों के साथ साथ आकर्षक संगीत के विदेशी भारत दर्शकों को प्रभावित किया। विशेष रूप में फिल्म ने अकेले यूके में 263,000 अधिक की कमाई की। फुल मिलाकर मेरे प्यार की शादी में बॉक्स ऑफिस सफलता ने उभरते सितारों के रूप में उतनी प्रमुख अभिनेताओं की स्थिति को मजबूत किया और दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक मनोरंजक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में अपनी जगह पक्की की। गंगा शांति की एक बिगर गवरा के प्रतीन शहर के होकर बहती है, उसकी कोमल धनी और राय खन्ना के जीवन में एक निरंतर संगीत है। एक प्रसिद्ध लावला वादक राव की उंगलियों टकरी आँखों के लेकर पर नृत्य करती थी, लयबुद्ध ताल और माध्यम से प्रेम और लालसा की कहानियों बुनती थी। फिर भी उसका अपना हृदय एक अनबजय हुआ रंगा बना रहा था, खोए हुए अतीत के प्रेम के कारण तार मोड़ गए थे। 10 साल पहले उसकी प्रीमियतमा अंजलि ने अपनी अभरती हुई और कहानी बजाय की दुनिया भर में प्रसिद्ध पाने की जीवन बना चुका है। एक ताकती दोपहरों में जैसे हवारा ब्रिज के हलचल भरे झूल रहा था, राय की दुनिया के अस्त बस्त किरानों के सामान की टक्कर और घबरा हुई माफी से अस्त बस्त हो गई है। उन्होंने खुद को तारा खन्ना के आमने सामने पाया, एक ऐसी महिला जिसमें उग्र आत्मा उसके साथे पर लगी गई लाल रंग की बिंदी को प्रतिबिंबित करती थी। एक असंभवित मुलाकात जो शायद ही नियति दूसरे कृत्यों की योजना बना रही है। तारा एक प्रसिद्ध एडीसी प्रत्योज्ञान के एक दशक के बारे में अपनी बचपन के शहर की परिचित तक सांत्वना की तलाश में हावड़ा लौट आई थी। उनका करियर जो एक समय ऊंची उड़ान भर रहा था, घंटे घुटने की गंभीर चोट के कारण एक रुका गया। वो शहर जो कभी उसके जीवन सपनों का कैनवास था, अब उनके नुकसान के खेकलेपन को गूंज रहा उठा था। उनके प्रारंभिक बातचीत झिझक भरे शिष्टाचार से भरे उठी थी। राय तारा की उग्र भावना और उसकी आंखों में चमकती आंसुओं से मोहित होकर उसने लिए एक चरणा लिखने के लिए खुद को तैयार किया। वो तबले के लिए बुद्ध तान तारा के तुरंत रमदूरी तूफान भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हुए प्रभावित हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखों बंद किए संगीत में खींच हो गई, उसका शरीर एक बार झिझक रहे उठे। हरकत करने वाला अस्थायी बोलबाला एक सुंदर समुद्री डाकू उसके भीतर की नर्तकी उजग उठा। दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी दोपहर गंग किनारे चौराहे गए क्षणों में बीत गई। राय ने अपनी सौम्य प्रतिहित में तारा के भीतर नृत्यों की चिंगारी फिर से जग उठी। उन्होंने उसकी सुरक्षाओं की एक ताकत खोई, एक लीचेपन जो गंगा की अदम्य भावना के प्रतिबिंबित करता था। तारा ने बदले में संगीत की तीव्र प्रति एक जुनून का पता चलाया जिसे वो उसी जानती थी। राय की खूने उनकी प्रतिबिंबित का विस्तार बन गई, उनकी आत्माओं के बीच बातचीत। एक बारिश में भीगी शाम ट्रिस्ट लैब की मंद चमक ने राय ने अपनी बढ़ती भावनाओं को कबूल किया। तारा पहले तो झिझक वही थी क्योंकि उसका अतीत एक निरंतर साझा था, अंत में उससे अपनी तर्सकता छोड़ दी। बारिश की लय उनकी अपनी निजी सेरेनोट बन गई जो शहर की आरजकता के बीच मनप रही एक प्रेम कहानी का प्रमाण है। हालांकि उनका नया प्यार चुनौतियों से विरहित नहीं था, सामाजिक उपेक्षा विशेष रूप से राय के बुर्जुआवादी परिवार के एक संगीतकार और एक नर्तक के बीच के रिश्ते को नापसंद करती थी। दोनों अपने चरम पर थे। तारा का आत्म संदेह उनकी चोट के कारण भड़का, उसके जुनून की लो की बुझाने की धमकी दी है। हमेशा आशावादी रहने वाली राय ने एक विशेष प्रस्तुति की रचना करने वाले निर्णय लिया। उन्होंने तारा को न केवल अपने शरीर के साथ बल्कि अपने आत्मा के साथ नृत्य करते हुए देखा। उन्होंने स्थानीय संगीतकार के साथ मिलकर धनी की एक ऐसी टेपेस्ट्री बुनी जिसमें हरा का सार शामिल था। स्ट्रीम का लयबद्ध गड़गड़ाहट उसका कृतज्ञताओं की भावपूर्ण खींचा, गंगा की कोमल कमल कलकल ध्वनि प्रदर्शन की रात आ गई। हवा प्रकाश में भर गई, कमकीले लाल रंग की साड़ी में सजी तारा मंच की खींचे पड़ी थी। उसकी आंखों में डर की झलकती राय में उसका हाथ हवराया, उसका मौन समर्थन ताकत और स्रोत बन गया। जैसे ही संगीत के पहले स्वर गूंजे, तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जाने दिया। उसकी गतिविधियों अंग्रहों को तकरी स्वीकृति की जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। उन्होंने सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए राय के लिए उसके प्यार नृत्यों का जिसमें उसके भीतर आग की फिर से आगाज किया था। उनके बाद
उनके लिए गड़गड़ाहट गूंज उठी। तारा की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं विजय के आंसू। उसने ना केवल अपनी डर पर विजय पा ली बल्कि नित्यों के आनंद के से खोज लिया था। राय की आंखों में उसने सिर्फ प्यार नहीं बल्कि प्रशंसा और सम्मान देखा, अपने उसकी कमजोरी की देखा जो उसके ताकत को पोषण किया था। उनके एक साथ यात्रा कोई परिक्रिया नहीं थी, आत्मसंदेह, सामाजिक दबाव और तारा की सीमाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई के दिन थे। फिर भी उनकी प्रेम कहानी गंगा की तरह हर तूफान का सामना करना था। राय ने रचना करना जारी रखा, उसने संगीत से तारा और अटूट भावना से प्रतीत एक नया उत्साह था। हालांकि तारा भाव्य मंचों पर प्रदर्शन करने में असमर्थ थी, लेकिन उसे नृत्यों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवा लड़कियों के सिखाने में सांत्वना मिली। वर्षों बाद गंगा के सामने एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे राय ने तारा की उत्साही लड़कियों के एक समूह को बढ़ाते देखा। उसके एक हृदय के लड़ा की एक कमजोर थी, फिर भी उसने वही उपभोग जुनून था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई क्योंकि वो एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं थी। अंजलि को एहसास होता है कि वो संजय से प्यार करती है। वो शादी से भाग जाती है और उसे ढूंढने के लिए मुंबई जाती है। संजय उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की जाहिर कर दिया जाता है। फिल्म संजय अंजलि की शादी के साथ सप्ताह होती है। समीत जो एक अच्छा खिलाड़ी है उनके रिश्ते को स्वीकार करता है और यहाँ तक कि उनकी शादी में भाग ले तो भी करता है। ये मेरा शादी है मेरा मन महत्वपूर्ण कथानक के साथ एक हल्की फुल्की और मनोरंजन फिल्म है। कथानी फिल्म की अच्छी बनी है और इसमें कुछ आकर्षक भान भी है। कलाकारों अभिनय की सराहना है, खासकर उदय चोपड़ा और तुलिप जोशी मिलाकर ये मेरा यार की शादी एक मजेदार फिल्म है जो रोमांटिक कॉमेडी के प्रशंसकों को निश्चित रूप से खुश करेंगी। फिल्म दोस्तों के एक समूह पर केंद्रित है जो उनकी दिग्गजी का गलत टाइमिंग के एक क्लासिक मामले के उलझा जाता है। उदय चोपड़ा ने संजय मल्होत्रा की भूमिका निभाई जो एक लापरवाही युवक है जो अपनी रूममेट रिया के साथ मुंबई में अपने कुमारी जीवन के संतुष्ट, जिसका किरदार बिपाशा बासु ने निभाया है। इनका आसान चिंचर्या तब बाधित हो जाता है जब संजय को जीवन बदलाने की लाय भवन कॉल आता है। ये उनकी बचपन की दोस्त अंजलि शर्मा है जिसका किरदार भावनात्मक तुलिप जोशी ने निभाया है और उनकी शादी होने वाली ये खबर संजय के परेशानी में डाल देता है। उसे अंजलि के लिए अपनी भागवारी भावनाओं का एहसास होता है लेकिन वर्षों के दोस्ती से उसे कबूल करने की रोक दिया जाता है। इस बीच अंजलि जिमी शर्गिल द्वारा अभिनीत रोहित खन्ना ने शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्रतीत होता है कि रोहित वो सब कुछ कर रहा है जो लड़कियों चाहते हैं। आकर्षक बपल हो जाते अंजलि के लिए एकदम सही। हालांकि अंजलि की अगमत योजना के बाधा उत्पन्न होती है। जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही है संजय अपनी भावनाओं के जुदा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जटिल चिंती से कैसे निपट जाए। जब संजय अंजलि का दिल जीतने की यात्रा पर निकलते हैं उसे पहले की बहुत देर हो जाए। यारिया उसकी हमेशा सहयोग करने वाली विश्वपात्र रहस्य उद्घाटन राहत और सहारा देने लिए एक कंधा प्रदान करते हैं। मेरे प्यार की शादी है यश राज फिल्म्स के तहत के लिए लाभदायक खास साबित हुई जिसमें दुनिया भर में 30 करोड़ की अधिक की कमाई की। इस सफलता का श्रेय मनोरंजन तो के उत्तम मिश्रण के दिया जा सकते हैं। अनु मालिक द्वारा रचित सिनेमा के संगीत शीर्षक के ट्रैक और दिल डोलर जैसे आकर्षक धुनों के साथ चार्टबास्टर बन गया है। स्थापित और उतरे हुए अभिनेताओं के मिशन वाले कलाकारों के दमदार प्रदर्शन किया। उदय चोपड़ा, विशाल सासु, जिमी शर्गिल और मंतुक रूपेंट जोशो की अपने किरदारों के जीवंत कर दिया है जिसमें कहानी दर्शकों के लिए प्रासंगिक बन गया है। फिल्म का घरेलू प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली या भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रूप से स्थान पर उभरी है जिसमें 24 करोड़ के अधिक की कमाई की। ये सफलता युवाओं के प्रति उसकी मजबूत अपील ने उसकी ऊपरी प्यार दोस्ती थोड़ी उलझान के बारे में हल्की फुल्की कहानी युवा दर्शकों को पसंद आई है। फिल्म के आकर्षक संगीत ने इसकी पहुंच की और बढ़ापा दिया, युवा दर्शकों को सिनेमाघरों का तक खींचा। मेरे प्यार की शादी है को विदेश में भी सफलता मिली, इसमें वैश्विक स्तर पर 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। यूनाइटेड किंगडम के विशाल भारत प्रवासी ने इस उपलब्धि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की प्रासंगिक कहानी और प्यार को दोस्ती के परिचित विषयों के साथ साथ आकर्षक संगीत के विदेशी भारत दर्शकों को प्रभावित किया। विशेष रूप में फिल्म ने अकेले यूके में 263,000 अधिक की कमाई की। फुल मिलाकर मेरे प्यार की शादी में बॉक्स ऑफिस सफलता ने उभरते सितारों के रूप में उतनी प्रमुख अभिनेताओं की स्थिति को मजबूत किया और दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक मनोरंजक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में अपनी जगह पक्की की। गंगा शांति की एक बिगर गवरा के प्रतीन शहर के होकर बहती है। उसकी कोमल ध्वनि और राय खन्ना के जीवन में एक निरंतर संगीत है। एक प्रसिद्ध लावला
बादक राव की उंगलियों टकरी आँखों के लेकर प्रतिनिधित्व करती थी। लयबुद्ध ताल और माध्यम से प्रेम और लालसा की कहानियों बुनती थी। फिर भी उसका अपना हृदय एक अनबजय हुआ अंगा बना रहा था। खोए हुए अतीत के प्रेम के कारण तार मोन रह गए थे। 10 साल पहले उसकी प्रीमियतमा अंजलि ने अपनी अभरती हुई और कहानी बजाई की दुनिया भर में प्रसिद्ध पाने की जीवन बना चुका है। एक ताकती दोपहरों में जैसे हवारा ब्रिज के हलचल भरे दुल रहा था, राय की दुनिया के अस्त बस्त किरानों के सामान की टक्कर और घबरा हुई माफी से अस्त बस्त हो गई है। उन्होंने खुद को तारा खन्ना के आमने सामने पाया। एक ऐसी महिला जिसमें उग्र आत्मा उसके साथे पर लगी गई लाल रंग की बिंदी को प्रतिबिंबित करती थी। एक असंभवित मुलाकात जो शायद ही नियति दूसरे कृत्यों की योजना बना रही है। तारा एक प्रसिद्ध एडीसी मित्तोज्ञान की एक दशक के बारे में अपनी बचपन के शहर की परिचित तक सांत्वना की तलाश में हावड़ा लौट आई थी। उनका करियर जो एक समय ऊंची उड़ान भर रहा था, घंटे घुटने की गंभीर चोट के कारण एक रुका गया। वो शहर जो कभी उसके जीवन सपनों का कैनवास था, अब उनके नुकसान के खेखलेपन को गूंज रहा उठा था। उनके प्रारंभिक बातचीत झिझक भरे भ्रष्टाचार से भरे उठी थी। राय तारा की उग्र भावना और उसकी आंखों में चमकती आंसुओं से मोहित होकर उसने लिए एक चरणा लिखने के लिए खुद को तैयार किया। वो तबले के लिए बुद्ध तान तारा के तुरंत दमदूरी तूफान भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हुए प्रभावित हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखों बंद किए संगीत में खींच हो गई। उसका शरीर एक बार झिझक रहे उठे। हरकत करने वाला अस्थायी बोलबाला एक सुंदर समुद्री डाकू उसके भीतर की नर्तकी उजग उठा। दिन हफ्तों में बदल गए। उनकी दोपहर गंग किनारे चौराहे गए क्षणों में बीत गई। राय ने अपनी सौम्य प्रतिहित में तारा के भीतर नित्यों की चिंगारी फिर से जग उठी। उन्होंने उसकी सुरक्षाओं की एक ताकत खोई, एक लीचेपन जो गंगा की अदम्य भावना के प्रतिबिंबित करता था। तारा ने बदले में संगीत की तीव्र प्रति एक जुनून का पता चलाया जिसे वो उसी जानती थी। राय की खूने उनकी प्रतिबिंबित का विस्तार बन गई। उनकी आत्माओं के बीच बातचीत एक बारिश में भीगी शाम ट्रिस्ट लैब की मंद चमक ने राय ने अपनी बढ़ती भावनाओं को कबूल किया। तारा पहले तो झिझक वही थी क्योंकि उसका अतीत एक निरंतर साझा था। अंत में उससे अपनी तर्सकता छोड़ दी। बारिश की लय उनकी अपनी निजी सेरेनोट बन गई जो शहर की आर्जकता के बीच मनप रही एक प्रेम कहानी का प्रमाण है। हालांकि उनका नया प्यार चुनौतियों से विरहित नहीं था। सामाजिक उपेक्षा विशेष रूप से राय के परिवारवादी परिवार के एक संगीतकार और एक नर्तक के बीच के रिश्ते को नापसंद करती थी। दोनों अपने चरम पर थे। तारा का आत्म संदेह उनकी चोट के कारण भड़का। उसके जुनून की लो की बुझाने की धमकी दी है। हमेशा आशावादी रहने वाली राय ने एक विशेष प्रस्तुति की रचना करने वाले निर्णय लिया। उन्होंने तारा को न केवल अपने शरीर के साथ बल्कि अपने आत्मा के साथ नृत्य करते हुए देखा। उन्होंने स्थानीय संगीतकार के साथ मिलकर धनी की एक ऐसी टेपेस्ट्री बुनी जिसमें हरा का सार शामिल था। स्ट्रीम का लयबद्ध गड़गड़ाहट उसका किकराताओं की भावपूर्ण खींचा गंगा की कोमल कमल कलकल ध्वनि प्रदर्शन की रात आ गई। हवा प्रकाश में भर गई। कनकीले लाल रंग की साड़ी में सजी तारा मंच की खींचे पड़ी थी। उसकी आंखों में डर की झलकती राय में उसका हाथ हवराया। उसका मौन समर्थन ताकत और स्रोत बन गया। जैसे ही संगीत के पहले स्वर गूंजे तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जाने दिया। उसकी गतिविधियों अंग्रोघों को तकरी सिकुआ की जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। उन्होंने सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए राय के लिए उसके प्यार अनित्यों का जिसमें उसके भीतर आग को फिर से आगा दिया था। उनके बाद उनके लिए गड़गड़ाहट गूंज उठी। तारा की आंखों में आंसू आ गए। दुख के नहीं विजय के आंसू। उसने ना केवल अपनी डर पर विजय पा ली बल्कि नित्य के आनंद के से खोज लिया था। राय की आंखों में उसने सिर्फ प्यार नहीं बल्कि प्रशंसा और सम्मान देखा। अपने उसकी कमजोरी की देखा जो उसके ताकत को पोषण किया था। उनके एक साथ यात्रा कोई परिक्रिया नहीं थी। आत्मसंदेह सामाजिक दबाव और तारा की सीमाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई के दिन थे। फिर भी उनकी प्रेम कहानी गंगा की तरह हर तूफान का सामना करना था। राय ने रचना करना जारी रखा। उसने संगीत से तारा और अटूट भावना से प्रतीत एक नया उत्साह था। हालांकि तारा भव्य मंचों पर प्रदर्शन करने में असमर्थ थी लेकिन उसे नृत्यों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवा लड़कियों के सिखाने में सांत्वना मिली। वर्षों बाद गंगा के सामने एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे राय ने तारा की उत्साही लड़कियों के एक समूह को बढ़ाते देखा। उसके एक हृदय के लड़ा की एक कमजोर थी फिर भी उसने वही उपभोग जुनून था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई क्योंकि वो एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं थी। अंजलि को एहसास होता है कि वो संजय से प्यार करती है। वो
शादी से भाग जाती है और उसे ढूंढने के लिए मुंबई जाती है। संजय उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की इजहार कर दिया जाता है। फिल्म संजय अंजलि की शादी के साथ सप्ताह होती है। समीत जो एक अच्छा खिलाड़ी है उनके रिश्ते को स्वीकार करता है और यहाँ तक कि उनकी शादी में भाग लेने तो भी करता है। ये मेरा शादी है मेरा मन महत्वपूर्ण कथानक के साथ एक हल्की फुल्की और मनोरंजन फिल्म है। कथानी फिल्म की अच्छी बनी है और इसमें कुछ आकर्षक भान भी है। कलाकारों अभिनय की सराहना है, खासकर उदय चोपड़ा और तुलिप जोशी मिलाकर ये मेरा यार की शादी एक मजेदार फिल्म है जो रोमांटिक कॉमेडी के प्रशंसकों को निश्चित रूप से खुश करेंगी। फिल्म दोस्तों के एक समूह पर केंद्रित है जो उनकी दिग्गजी का गलत टाइमिंग के एक क्लासिक मामले के उलझा जाता है। उदय चोपड़ा ने संजय मल्होत्रा की भूमिका निभाई जो एक लापरवाही युवक है जो अपनी रूममेट रिया के साथ मुंबई में अपने कुमारी जीवन के संतुष्ट जिसका किरदार बिपाशा बासु ने निभाया है। जिनका आसान चिंचर्या तब बाधित हो जाता है जब संजय को जीवन बदलाने की लाय भवन कॉल आता है। ये उनकी बचपन की दोस्त अंजलि शर्मा है जिसका किरदार भावनात्मक तुलिप जोशी ने निभाया है और उनकी शादी होने वाली ये खबर संजय के परेशानी में डाल देता है। उसे अंजलि के लिए अपनी भागवारी भावनाओं का एहसास होता है लेकिन वर्षों के दोस्ती से उसे कबूल करने की रोक दिया जाता है। इस बीच अंजलि जिमी शर्गिल द्वारा अभिनीत रोहित खन्ना ने शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्रतीत होता है कि रोहित वो सब कुछ कर रहा है जो लड़कियों चाहते हैं। आकर्षक बपल हो जाते अंजलि के लिए एकदम सही। हालांकि अंजलि की अगमत योजना के बाधा उत्पन्न होती है। जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही है संजय अपनी भावनाओं के जुदा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जटिल चिंती से कैसे निपट जाए। जब संजय अंजलि का दिल जीतने की यात्रा पर निकलते हैं उसे पहले की बहुत देर हो जाए या रिया उसकी हमेशा सहयोग करने वाली विश्वापात रहस्य उद्घाटन राहत और सहारा देने लिए एक कंधा प्रदान करते हैं। मेरे प्यार की शादी है यश राज फिल्म्स के तहत के लिए लाभदायक खास साबित हुई इसमें दुनिया भर में 30 करोड़ की अधिक की कमाई की। इस सफलता का श्रेय मनोरंजन तो के उत्तम मिश्रण के दिया जा सकते हैं। अनु मालिक द्वारा रचित सिनेमा के संगीत शीर्षक के ट्रैक और दिल डोलर जैसे आकर्षक धुनों के साथ चार्टबास्टर बन गया है। स्थापित और उतरे हुए अभिनेताओं के मिशन वाले कलाकारों के दमदार प्रदर्शन किया। उदय चोपड़ा विशासासु जिमी शर्गिल और मंतुक रूपेंट जोशो की अपने किरदारों के जीवंत कर दिया है जिसमें कहानी दर्शकों के लिए प्रासंगिक बन गया है। फिल्म का घरेलू प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली या भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रूप से स्थान पर उभरी है जिसमें 24 करोड़ के अधिक की कमाई की। ये सफलता युवाओं के प्रति उसकी मजबूत अपील ने उसकी ऊपरी प्यार दोस्ती थोड़ी उलझान के बारे में हल्की फुल्की कहानी युवा दर्शकों को पसंद आई है। फिल्म के आकर्षक संगीत ने इसकी पहुंच की और बढ़ापा दिया युवा दर्शकों को सिनेमाघरों का तक खींचा। मेरे प्यार की शादी है को देश में भी सफलता मिली इसमें वैश्विक स्तर पर 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। यूनाइटेड किंगडम्स के विशाल भारत प्रवासी ने इस उपलब्धि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की प्रासंगिक कहानी और प्यार को दोस्ती के परिचित विषयों के साथ साथ आकर्षक संगीत के विदेशी भारत दर्शकों को प्रभावित किया। विशेष रूप में फिल्म ने अकेले यूके में 263,000 अधिक की कमाई की। फुल मिलाकर मेरे प्यार की शादी में बॉक्स ऑफिस सफलता ने उभरते सितारों के रूप में उतनी प्रमुख अभिनेताओं की स्थिति को मजबूत किया और दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक मनोरंजक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में अपनी जगह पक्की की। गंगा शांति की एक बिगर गवरा के प्रतीन शहर के होकर बहती है। उसकी कोमल धनी और राय खन्ना के जीवन में एक निरंतर संगीत है। एक प्रसिद्ध लावला मादक राव की उंगलियों टकड़ी आँखों के लेकर परिणित्व करती थी। लयबुद्ध ताल और माध्यम से प्रेम और लालसा की कहानियों बुनती थी। फिर भी उसका अपना हृदय एक अनबजय हुआ रंगा बना रहा था। खोए हुए अतीत के प्रेम के कारण तार मोड़ गए थे। 10 साल पहले उसकी प्रियतमा अंजलि ने अपनी अभरती हुई और कहानी बजाय कि दुनिया भर में प्रसिद्ध पाने की जीवन बना चुका है। एक ताकती दोपहरों में जैसे हवारा ब्रिज के हलचल भरे दुल रहा था राय की दुनिया के अस्त बस्त किरानों के सामान की टक्कर और घबरा हुई माफी से अस्त बस्त हो गई है। उन्होंने खुद को तारा खन्ना के आमने सामने पाया। एक ऐसी महिला जिसमें उग्र आत्मा उसके साथे पर लगी गई लाल रंग की बिंदी को प्रतिबिंबित करती थी। एक असंभवित मुलाकात जो शायद ही नियति दूसरे कृत्यों की योजना बना रही है। तारा एक प्रसिद्ध एडीसी विज्ञान की एक दशक के बारे में अपनी बचपन के शहर की परिचित तक सांत्वना की तलाश में हावड़ा लौट आई थी। उनका करियर जो एक समय ऊंची उड़ान भर रहा था घंटे घुटने की गंभीर चोट के कारण एक रुका गया। वो शहर जो कभी उसके जीवन सपनों का कैनवास था अब उनके नुकसान के
खेखलेपन को गुजरा उठा था। उनके प्रारंभिक बातचीत झिझक भरे शिष्टाचार से भरे उठी थी। राय तारा की उग्र भावना और उसकी आंखों में चमकती आंसुओं से मोहित होकर उसने लिए एक चरना लिखने के लिए खुद को तैयार किया। वह तबले के लिए बुद्ध तान तारा के तुरंत दमदूरी तूफान भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हुए प्रभावित हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखों बंद किए संगीत में खींच हो गई। उसका शरीर एक बार झिझक रहे उठे। हरकत करने वाला अस्थायी बोलबाला एक सुंदर समुद्री डाकू उसके भीतर की नर्तकी उजग उठा। दिन हफ्तों में बदल गए। उनकी दोपहर गंग किनारे चौराहे गए क्षणों में बीत गई। राय ने अपनी सौम्य वृद्धाहित में तारा के भीतर नृत्यों की चिंगारी फिर से जग उठी। उन्होंने उसकी सुरक्षाओं की एक ताकत खोई, एक लीचेपन जो गंगा की अदम भावना के प्रतिबिंबित करता था। तारा ने बदले में संगीत की तीव्र प्रति एक जुनून का पता चलाया जिसे वो उसी जानती थी। राय की खूने उनकी प्रतिबिंबित का विस्तार बन गई। उनकी आत्माओं के बीच बातचीत एक बारिश में भीगी शाम ट्रिस्ट लैब की मंद चमक ने राय ने अपनी बढ़ती भावनाओं को कबूल किया। तारा पहले तो झिझक वही थी क्योंकि उसका अतीत एक निरंतर साझा था। अंत में उससे अपनी तर्सकता छोड़ दी। बारिश की लय उनकी अपनी निजी सेरेनोट बन गई जो शहर की आरजकता के बीच मनप रही एक प्रेम कहानी का प्रमाण है। हालांकि उनका नया प्यार चुनौतियों से रहित नहीं था। सामाजिक उपेक्षा विशेष रूप से राय के परिवारवादी परिवार के एक संगीतकार और एक नर्तक के बीच के रिश्ते को नापसंद करती थी। दोनों अपने चरम पर थे। तारा का आत्म संदेह उनकी चोट के कारण भड़का। उसके जुनून की लो की बुझाने की धमकी दी है। हमेशा आशावादी रहने वाली राय ने एक विशेष प्रस्तुति की रचना करने वाले निर्णय लिया। उन्होंने तारा को न केवल अपने शरीर के साथ बल्कि अपने आत्मा के साथ नृत्य करते हुए देखा। उन्होंने स्थानीय संगीतकार के साथ मिलकर धनी की एक ऐसी ट्रेपेस्ट्री बुनी जिसमें हरा का सार शामिल था। स्ट्रीम का लयबद्ध गड़गड़ाहट उसका किकृताओं की भावपूर्ण खींचा। गंगा की कोमल कमल कलकल ध्वनि प्रदर्शन की रात आ गई। हवा प्रकाश में भर गई। कमकीले लाल रंग की साड़ी में सजी तारा मंच की खींचे पड़ी थी। उसकी आंखों में डर की झलकती राय में उसका हाथ हवराया। उसका मौन समर्थन ताकत और स्रोत बन गया। जैसे ही संगीत के पहले स्वर गूंजे तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जाने दिया। उसकी गतिविधियों अंग्रहों को तकली स्वीकृति जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। उन्होंने सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए राय के लिए उसके प्यार नृत्यों का जिसमें उसके भीतर आग की फिर से आगा दिया था। उनके बाद उनके लिए गड़गड़ाहट गूंज उठी। तारा की आंखों में आंसू आ गए। दुख के नहीं विजय के आंसू। उसने ना केवल अपने डर पर विजय पा ली बल्कि नित्यों के आनंद के से खोज लिया था। राय की आंखों में उसने सिर्फ प्यार नहीं बल्कि प्रशंसा और सम्मान देखा। अपने उसकी कमजोरी की देखा जो उसके ताकत को पोषण किया था। उनके एक साथ यात्रा कोई परिक्रिया नहीं थी। आत्मसंदेह सामाजिक दबाव और तारा की सीमाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई के दिन थे। फिर भी उनकी प्रेम कहानी गंगा की तरह हर तूफान का सामना करना था। राय ने रचना करना जारी रखा। उसने संगीत से तारा और अटूट भावना से प्रतीत एक नया उत्साह था। हालांकि तारा भव्य मंचों पर प्रदर्शन करने में असमर्थ थी लेकिन उसे नृत्यों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवा लड़कियों के सिखाने में सांत्वना मिली। वर्षों बाद गंगा के सामने एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे राय ने तारा की उत्साही लड़कियों के एक समूह को बढ़ाते देखा। उसके हृदय के लड़ा की एक कमजोर थी फिर भी उसने वही उपभोक्तृ जुनून था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई क्योंकि वो एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं थी। अंजलि को एहसास होता है कि वो संजय से प्यार करती है। वो शादी से भाग जाती है और उसे ढूंढने के लिए मुंबई जाती है। संजय उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की जाहिर कर दिया जाता है। फिल्म संजय अंजलि की शादी के साथ सप्ताह होती है। समीत जो एक अच्छा खिलाड़ी है उनके रिश्ते को स्वीकार करता है और यहाँ तक कि उनकी शादी में भाग ले तो भी करता है। ये मेरा शादी है मेरा मन महत्वपूर्ण कथानक के साथ एक हल्की फुल्की और मनोरंजन फिल्म है। कथानी फिल्म की अच्छी बनी है और इसमें कुछ आकर्षक भान भी है। कलाकारों अभिनय की सराहना खासकर उदय चोपड़ा और तुलिप जोशी मिलाकर ये मेरा यार की शादी एक मजेदार फिल्म है जो रोमांटिक कॉमेडी के प्रशंसकों को निश्चित रूप से खुश करेंगी। फिल्म दोस्तों के एक समूह पर केंद्रित है जो उनकी दिग्गज का गलत टाइमिंग के एक क्लासिक मामले के उलझा जाता है। उदय चोपड़ा ने संजय मल्होत्रा की भूमिका निभाई जो एक लापरवाह युवक है जो अपनी रूममेट रिया के साथ मुंबई में अपने कुमारी जीवन के संतुष्ट जिसका किरदार बिपाशा बासु ने निभाया है। जिनका आसान चिंचर्या तब बाधित हो जाता है जब संजय को जीवन बदलाने की लाइव फोन कॉल आता है। ये उनकी बचपन
की दोस्त अंजलि शर्मा है, जिसका किरदार भावनात्मक टुलिप जोशी ने निभाया है, और उनकी शादी होने वाली ये खबर संजय के परेशानी में डाल देता है। उसे अंजलि के लिए अपनी भागवारी भावनाओं का एहसास होता है, लेकिन वर्षों के दोस्ती से उसे कबूल करने की रोक दिया जाता है। इस बीच अंजलि जिमी शर्गिल द्वारा अभिनीत रोहित खन्ना ने शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्रतीत होता है कि रोहित वो सब कुछ कर रहे हैं जो लड़कियों चाहते हैं, आकर्षक बहपल हो जाते अंजलि के लिए एकदम सही। हालांकि अंजलि की अगमत योजना के बाधा उत्पन्न होती है। जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही है संजय अपनी भावनाओं के जुदा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जटिल चिंती से कैसे निपट जाए। जब संजय अंजलि का दिल जीतने की यात्रा पर निकलते हैं उसे पहले की बहुत देर हो जाए या रिया उसकी हमेशा सहयोग करने वाली विश्वापात रहस्य उद्घाटन राहत और सहारा देने लिए एक कंधा प्रदान करते हैं। मेरे प्यार की शादी है यश राज फिल्म्स के तहत के लिए लाभदायक खास साबित हुई, इसमें दुनिया भर में 30 करोड़ की अधिक की कमाई की। इस सफलता का श्रेय मनोरंजन तो के उत्तम मिश्रण के दिया जा सकते हैं। अनु मालिक द्वारा रचित सिनेमा के संगीत शीर्षक के ट्रैक और दिल डोलर जैसे आकर्षक धुनों के साथ चार्टबास्टर बन गया है। स्थापित और उतरे हुए अभिनेताओं के मिशन वाले कलाकारों के दमदार प्रदर्शन किया। उदय चोपड़ा, विशाल सासु, जिमी शर्गिल और नवंतुक रूपेंट जोशो की अपने किरदारों के जीवंत कर दिया है, जिसमें कहानी दर्शकों के लिए प्रासंगिक बन गया है। फिल्म का घरेलू प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली या भारत में धर्म अकटी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रूप से स्थान पर उभरी है, जिसमें 24 करोड़ के अधिक की कमाई की। ये सफलता युवाओं के प्रति उसकी मजबूत अपील ने उसकी ऊपरी प्यार दोस्ती थोड़ी उलझान के बारे में हल्की फुल्की कहानी युवा दर्शकों को पसंद आई है। फिल्म के आकर्षक संगीत ने इसकी पहुंच की और बढ़ापा दिया, युवा दर्शकों को सिनेमाघरों का तक खींचा। मेरे प्यार की शादी है को विदेश में भी सफलता मिली, इसमें वैश्विक स्तर पर 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। यूनाइटेड किंगडम्स के विशाल भारत प्रवासी ने इस उपलब्धि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की प्रासंगिक कहानी और प्यार को दोस्ती के परिचित विषयों के साथ साथ आकर्षक संगीत के विदेशी भारत दर्शकों को प्रभावित किया। विशेष रूप में फिल्म ने अकेले यूके में 263,000 अधिक की कमाई की। फुल मिलाकर मेरे प्यार की शादी में बॉक्स ऑफिस सफलता ने उभरते सितारों के रूप में उतनी प्रमुख अभिनेताओं की स्थिति को मजबूत किया और दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक मनोरंजक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में अपनी जगह पक्की की। गंगा शांति की एक बिगर गवरा के प्रतीन शहर के होकर बहती है, उसकी कोमल धनी और राय खन्ना के जीवन में एक निरंतर संगीत है। एक प्रसिद्ध लाबला बादक राव की उंगलियों टकरी आँखों के लेकर परिनित्व करती थी, लयबुद्ध काल और माध्यम से प्रेम और लालसा की कहानियों बुनती थी। फिर भी उसका अपना हृदय एक अनबजय हुआ रंगा बना रहा था, खोए हुए अतीत के प्रेम के कारण तार मोड़ रह गए थे। 10 साल पहले उसकी प्रीमियतमा अंजलि ने अपनी अभरती हुई और कहानी बजाय के दुनिया भर में प्रसिद्ध पाने की जीवन बना चुका है। एक ताकती दोपहरों में जैसे हवारा ब्रिज के हलचल भरे दुल रहा था, राय की दुनिया के अस्त बस्त किरानों के सामान की टक्कर और घबरा हुई माफी से अस्त बस्त हो गई है। उन्होंने खुद को तारा खन्ना के आमने सामने पाया, एक ऐसी महिला जिसमें उग्र आत्मा उसके साथे पर लगी गई लाल रंग की बिंदी को प्रतिबिंबित करती थी। एक असंभवित मुलाकात जो शायद ही नियति दूसरे कृत्यों की योजना बना रही है। तारा एक प्रसिद्ध एडीसी विज्ञान की एक दशक के बारे में अपनी बचपन के शहर की परिचित के सांत्वना की तलाश में हावड़ा लौट आई थी। उनका करियर जो एक समय ऊंची उड़ान भर रहा था, घंटे घुटने की गंभीर चोट के कारण एक रुका गया। वो शहर जो कभी उसके जीवन सपनों का कैनवास था, अब उनके नुकसान के खेकलेपन को गूंज रहा उठा था। उनके प्रारंभिक बातचीत झिझक भरे शिष्टाचार से भरे उठी थी। राय तारा की उग्र भावना और उसकी आंखों में चमकती आंसुओं से मोहित होकर उसने लिए एक चरणा लिखने के लिए खुद को तैयार किया। वो तबले के लिए बुद्ध तान तारा के तुरंत दमदूरी तूफान भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हुए प्रभावित हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखों बंद किए संगीत में खींच हो गई, उसका शरीर एक बार झिझक रहे उठे। हरकत करने वाला अस्थाई बोलबाला एक सुंदर समुद्री डाकू उसके भीतर की नर्तकी उजग उठा। दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी दोपहर गंगा किनारे चौराहे गए क्षणों में बीत गई। राय ने अपनी सौम्य बुद्धाहित में तारा के भीतर नित्यों की चिंगारी फिर से जग उठी। उन्होंने उसकी सुरक्षाओं की एक ताकत खोई, एक लीचेपन जो गंगा की एकदम भावना के प्रतिबिंबित करता था। तारा ने बदले में संगीत की तीव्र प्रति एक जुनून का पता चलाया जिसे वो उसी जानती थी। राय की खूने उनकी प्रतिबिंबित का विस्तार बन गई, उनकी आत्माओं के बीच बातचीत एक बारिश में भीगी शाम। ट्रिस्ट लैब की मंद चमक ने राय ने अपनी बढ़ती भावनाओं को कबूल किया। तारा पहले तो झिझक वही थी क्योंकि उसका अतीत एक निरंतर साझा था, अंत में उससे अपनी तरसकता छोड़ दी। बारिश की लय उनकी अपनी निजी सेरेनोट बन गई जो शहर
की अराजकता के बीच मनप रही एक प्रेम कहानी का प्रमाण है। हालांकि उनका नया प्यार चुनौतियों से विरहित नहीं था, सामाजिक उपेक्षा, विशेष रूप से राय के परिवारवादी परिवार के एक संगीतकार और एक नर्तक के बीच के रिश्ते को नापसंद करती थी। दोनों अपने चरम पर थे। तारा का आत्म संदेह उनकी चोट के कारण भड़का, उसके जुनून की लो की बुझाने की धमकी दी है। हमेशा आशावादी रहने वाली रायक ने एक विशेष प्रस्तुति की रचना करने वाले निर्णय लिया। उन्होंने तारा को ना केवल अपने शरीर के साथ बल्कि अपने आत्मा के साथ नृत्य करते हुए देखा। उन्होंने स्थानीय संगीतकार के साथ मिलकर धनी की एक ऐसी ट्रेपेस्ट्री बुनी जिसमें हरा का सार शामिल था। स्ट्रीम का लयबद्ध गड़गड़ाहट, उसका किकराताओं की भावपूर्ण खींचा, गंगा की कोमल कमल कलकल ध्वनि, प्रदर्शन की रात आ गई, हवा प्रकाश में भर गई। कमकीले लाल रंग की साड़ी में सजी तारा मंच की खींचे पड़ी थी। उसकी आंखों में डर की झलकती राय में उसका हाथ हवाया, उसका मौन समर्थन ताकत और स्रोत बन गया। जैसे ही संगीत के पहले स्वर गूंजे, तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जाने दिया। उसकी गतिविधियों अंग्रहों को तकलीफ सिखा की जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। उन्होंने सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, राय के लिए उसके प्यार अनित्यों का जिसमें उसके भीतर आग की फिर से आगा दिया था। उनके बाद उनके लिए गड़गड़ाहट गूंज उठी। तारा की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं विजय के आंसू। उसने ना केवल अपनी डर पर विजय पा ली बल्कि नित्य के आनंद के से खोज लिया था। राय की आंखों में उसने सिर्फ प्यार नहीं बल्कि प्रशंसा और सम्मान देखा, अपने उसकी कमजोरी की देखा जो उसके ताकत को पोषण किया था। उनके एक साथ यात्रा कोई परिक्रिया नहीं थी, आत्मसंदेह, सामाजिक दबाव और तारा की सीमाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई के दिन थे। फिर भी उनकी प्रेम कहानी गंगा की तरह हर तूफान का सामना करना था। राय ने रचना करना जारी रखा, उसने संगीत से तारा और अटूट भावना से प्रतीत एक नया उत्साह था। हालांकि तारा भव्य मंचों पर प्रदर्शन करने में असमर्थ थी, लेकिन उसे नृत्यों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवा लड़कियों के सिखाने में सांत्वना मिली। वर्षों बाद गंगा के सामने एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे राय ने तारा की उत्साही लड़कियों के एक समूह को बढ़ाते देखा। उसके हृदय के लहरा की एक कमजोर थी, फिर भी उसने वही उपहोक्रिया जुनून था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई क्योंकि वो एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं थी। अंजलि को एहसास होता है कि वो संजय से प्यार करती है। वो शादी से भाग जाती है और उसे ढूंढने के लिए मुंबई जाती है। संजय उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की इजहार कर दिया जाता है। फिल्म संजय अंजलि की शादी के साथ सप्ताह होती है। समीत जो एक अच्छा खिलाड़ी है उनके रिश्ते को स्वीकार करता है और यहाँ तक कि उनकी शादी में भाग ले तो भी करता है। ये मेरा शादी है मेरा मन महत्वपूर्ण कथानक के साथ एक हल्की फुल्की और मनोरंजन फिल्म है। कथानी फिल्म की अच्छी बनी है और इसमें कुछ आकर्षक भान भी है। कलाकारों अभिनय की सराहना, खासकर उदय चोपड़ा और तुलिप जोशी मिलाकर ये मेरा यार की शादी एक मजेदार फिल्म है जो रोमांटिक कॉमेडी के प्रशंसकों को निश्चित रूप से खुश करेंगी। फिल्म दोस्तों के एक समूह पर केंद्रित है जो उनकी दिग्गजी का गलत टाइमिंग के एक क्लासिक मामले के उलझा जाता है। उदय चोपड़ा ने संजय मल्होत्रा की भूमिका निभाई जो एक लापरवाह युवक है जो अपनी रूममेट रिया के साथ मुंबई में अपने कुमारी जीवन के संतुष्ट, जिसका किरदार बिपाशा बासु ने निभाया है। इनका आसान चिंचर्या तब बाधित हो जाता है जब संजय को जीवन बदलाने की लाय भवन कॉल आता है। ये उनकी बचपन की दोस्त अंजलि शर्मा है जिसका किरदार भावनात्मक तुलिप जोशी ने निभाया है और उनकी शादी होने वाली ये खबर संजय के परेशानी में डाल देता है। उसे अंजलि के लिए अपनी भागवाड़ी भावनाओं का एहसास होता है लेकिन वर्षों के दोस्ती से उसे कबूल करने की रोक दिया जाता है। इस बीच अंजलि जिमी शर्गिल द्वारा अभिनीत रोहित खन्ना ने शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्रतीत होता है कि रोहित वो सब कुछ कर रहा है जो लड़कियों चाहते हैं। आकर्षक बपल हो जाते अंजलि के लिए एकदम सही। हालांकि अंजलि की अगमत योजना के बाधा उत्पन्न होती है। जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही है संजय अपनी भावनाओं के जुदा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जटिल चिंती से कैसे निपट जाए। जब संजय अंजलि का दिल जीतने की यात्रा पर निकलते हैं उसे पहले की बहुत देर हो जाए। यारिया उसकी हमेशा सहयोग करने वाली विश्वपात रहस्य उद्घाटन राहत और सहारा देने लिए एक कंधा प्रदान करते हैं। मेरे प्यार की शादी है यश राज फिल्म्स के तहत के लिए लाभदायक खास साबित हुई जिसमें दुनिया भर में 30 करोड़ की अधिक की कमाई की। इस सफलता का श्रेय मनोरंजन तो के उत्तम मिश्रण के दिया जा सकते हैं। अनु मालिक द्वारा रचित सिनेमा के संगीत शीर्षक के ट्रैक और दिल डोलर जैसे आकर्षक धुनों के साथ चार्टबस्टर बन गया है। स्थापित और उतरे हुए अभिनेताओं
अभिनेताओं के मिश्रण वाले कलाकारों के दमदार प्रदर्शन किया। उदय चोपड़ा, विशाखासु जिमी शर्गिल और नवंतुक रूपेंट जोशो की अपने किरदारों के जीवंत कर दिया है, जिसमें कहानी दर्शकों के लिए प्रासंगिक बन गया है। फिल्म का घरेलू प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली या भारत में धर्म अकटी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रूप से स्थान पर उभरी है, जिसमें 24 करोड़ के अधिक की कमाई की। ये सफलता युवाओं के प्रति उसकी मजबूत अपील ने उसकी ऊपरी प्यार दोस्ती थोड़ी उलझान के बारे में हल्की फुल्की कहानी युवा दर्शकों को पसंद आई है। फिल्म के आकर्षक संगीत ने इसकी पहुंच की और बढ़ावा दिया, युवा दर्शकों को सिनेमाघरों का तक खींचा। मेरे प्यार की शादी है को विदेश में भी सफलता मिली, इसमें वैश्विक स्तर पर 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। यूनाइटेड किंगडम्स के विशाल भारत प्रवासी ने इस उपलब्धि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की प्रासंगिक कहानी और प्यार को दोस्ती के परिचित विषय के साथ साथ आकर्षक संगीत के विदेशी भारत दर्शकों को प्रभावित किया। विशेष रूप में फिल्म ने अकेले यूके में 263,000 अधिक की कमाई की। फुल मिलाकर मेरे प्यार की शादी में बॉक्स ऑफिस सफलता ने उभरते सितारों के रूप में उतनी प्रमुख अभिनेताओं की स्थिति को मजबूत किया और दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक मनोरंजक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में अपनी जगह पक्की की। गंगा शांति की एक बिगर गवरा के प्रतीन शहर के होकर बहती है, उसकी कोमल धनी और राय खन्ना के जीवन में एक निरंतर संगीत है। एक प्रसिद्ध लावला बादक राव की उंगलियों टकरी आँखों के लेकर परिनित्व करती थी, लयबुद्ध ताल और माध्यम से प्रेम और लालसा की कहानियों बुनती थी। फिर भी उसका अपना हृदय एक अनबजय हुआ अंगा बना रहा था, खोए हुए अतीत के प्रेम के कारण तार मोड़ गए थे। 10 साल पहले उसकी प्रीमियतमा अंजलि ने अपनी अभरती हुई और कहानी बजाय के दुनिया भर में प्रसिद्ध पाने की जीवन बना चुका है। एक ताकती दोपहरों में जैसे हवारा ब्रिज के हलचल भरे दुल रहा था, राय की दुनिया के अस्त बस्त किरानों के सामान की टक्कर और घबरा हुई माफी से अस्त बस्त हो गई है। उन्होंने खुद को तारा खन्ना के आमने सामने पाया, एक ऐसी महिला जिसमें उग्र आत्मा उसके साथे पर लगी गई लाल रंग की बिंदी को प्रतिबिंबित करती थी। एक असंभवित मुलाकात जो शायद ही नियति दूसरे कृत्यों की योजना बना रही है। तारा एक प्रसिद्ध एडीसी विज्ञान की एक दशक के बारे में अपनी बचपन के शहर की परिचित तक सांत्वना की तलाश में हावड़ा लौट आई थी। उनका करियर जो एक समय ऊंची उड़ान भर रहा था, घंटे घुटने की गंभीर चोट के कारण एक रुका गया। वो शहर जो कभी उसके जीवन सपनों का कैनवास था, अब उनके नुकसान के खेकलेपन को गूंज रहा उठा था। उनके प्रारंभिक बातचीत झिझक भरे भ्रष्टाचार से भरे उठी थी। राय तारा की उग्र भावना और उसकी आंखों में चमकती आंसुओं से मोहित होकर उसने लिए एक चरणा लिखने के लिए खुद को तैयार किया। वह तबले के लिए बुद्ध तान तारा के तुरंत दमदूरी तूफान भावनाओं को प्रतिबिंबित करती हुई प्रभावित हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखों बंद किए संगीत में खींच हो गई, उसका शरीर एक बार झिझक रहे उठे। हरकत करने वाला अस्थाई बोलबाला एक सुंदर समुद्री डाकू उसके भीतर की नर्तकी उजग उठा। दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी दोपहर गंगा किनारे चौराहे गए क्षणों में बीत गई। राय ने अपनी सौम्य प्रभावित में तारा के भीतर नृत्यों की चिंगारी फिर से जग उठी। उन्होंने उसकी सुरक्षाओं की एक ताकत खोई, एक लीचेपन जो गंगा की अदम भावना के प्रतिबिंबित करता था। तारा ने बदले में संगीत की तीव्र प्रति एक जुनून का पता चलाया जिसे वो उसी जानती थी। राय की खूने उनकी प्रतिबिंबित का विस्तार बन गई, उनकी आत्माओं के बीच बातचीत। एक बारिश में भीगी शाम ट्रिस्ट लैब की मंद चमक ने राय ने अपनी बढ़ती भावनाओं को कबूल किया। तारा पहले तो झिझक वही थी क्योंकि उसका अतीत एक निरंतर साझा था, अंत में उससे अपनी तर्सकता छोड़ दी। बारिश की लय उनकी अपनी निजी सेरेनोट बन गई जो शहर की आर्जकता के बीच मनप रही एक प्रेम कहानी का प्रमाण है। हालांकि उनका नया प्यार चुनौतियों से विरहित नहीं था, सामाजिक उपेक्षा विशेष रूप से राय के परिवारवादी परिवार के एक संगीतकार और एक नर्तक के बीच के रिश्ते को नापसंद करती थी। दोनों अपने चरम पर थे। तारा का आत्म संदेह उनकी चोट के कारण भड़का, उसके जुनून की लो की बुझाने की धमकी दी है। हमेशा आशावादी रहने वाली रायक ने एक विशेष प्रस्तुति की रचना करने वाले निर्णय लिया। उन्होंने तारा को न केवल अपने शरीर के साथ बल्कि अपने आत्मा के साथ नृत्य करते हुए देखा। उन्होंने स्थानीय संगीतकार के साथ मिलकर धनी की एक ऐसी ट्रेपेस्ट्री बुनी जिसमें हरा का सार शामिल था। स्ट्रीम का लयबद्ध गड़गड़ाहट उसका किकृताओं की भावपूर्ण खींचा, गंगा की कोमल कमल कलकल ध्वनि प्रदर्शन की रात आ गई। हवा प्रकाश में भर गई, कनकीले लाल रंग की साड़ी में सजी तारा मंच की खींचे पड़ी थी। उसकी आंखों में डर की झलकती राय में उसका हाथ हवराया, उसका मौन समर्थन ताकत और स्रोत बन गया। जैसे ही संगीत के पहले स्वर गूंजे तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जाने दिया। उसकी गतिविधियों अंग्रहों को तकलीफ की जो उनकी अटूट भावना का
बलवान था। उन्होंने सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, राय के लिए, उसके प्यार अनित्व का जिसमें उसके भीतर आग की फिर से आगा दिया था। उनके बाद उनके लिए घरघराहट गूंज उठी। तारा की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं विजय के आंसू। उसने ना केवल अपनी डर पर विजय पा ली बल्कि नित्य के आनंद के से खोज लिया था। राय की आंखों में उसने सिर्फ प्यार नहीं बल्कि प्रशंसा और सम्मान देखा, अपने उसकी कमजोरी की देखा जो उसके ताकत को पोषण किया था। उनके एक साथ यात्रा कोई प्रक्रिया नहीं थी, आत्मसंदेह, सामाजिक दबाव और तारा की सीमाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई के दिन थे। फिर भी उनकी प्रेम कहानी गंगा की तरह हर तूफान का सामना करना था। राय ने रचना करना जारी रखा, उसने संगीत से तारा और अटूट भावना से प्रतीत एक नया उत्साह था। हालांकि तारा भाव्य मंचों पर प्रदर्शन करने में असमर्थ थी, लेकिन उसे नृत्यों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवा लड़कियों के सिखाने में सांत्वना मिली। वर्षों बाद गंगा के सामने एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे राय ने तारा की उत्साही लड़कियों के एक समूह को बढ़ाते देखा। उसके हृदय के लगा कि एक कमजोर थी, फिर भी उसने वही उपहोक्रिय जुनून था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई क्योंकि वो एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं थी। अंजलि को एहसास होता है कि वो संजय से प्यार करती है। वो शादी से भाग जाती है और उसे ढूंढने के लिए मुंबई जाती है। संजय उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की जाहिर कर दिया जाता है। फिल्म संजय अंजलि की शादी के साथ सप्ताह होती है। समीत जो एक अच्छा खिलाड़ी है उनके रिश्ते को स्वीकार करता है और यहाँ तक कि उनकी शादी में भाग ले तो भी करता है। ये मेरा शादी है मेरा मन महत्वपूर्ण कथानक के साथ एक हल्की फुल्की और मनोरंजन फिल्म है। कथानी फिल्म की अच्छी बनी है और इसमें कुछ आकर्षक भान भी है। कलाकारों अभिनय की सराहना, खासकर उदय चोपड़ा और तुलिप जोशी मिलाकर ये मेरा यार की शादी एक मजेदार फिल्म है जो रोमांटिक कॉमेडी के प्रशंसकों को निश्चित रूप से खुश करेंगी। फिल्म दोस्तों के एक समूह पर केंद्रित है जो उनकी दिग्गज गलत टाइमिंग के एक क्लासिक मामले के उलझा जाता है। उदय चोपड़ा ने संजय मल्होत्रा की भूमिका निभाई जो एक लापरवाह युवक है जो अपनी रूममेट रिया के साथ मुंबई में अपने कुमारी जीवन के संतुष्ट, जिसका किरदार बिपाशा बासु ने निभाया है, जिनका आसान चिंचर्या तब बाधित हो जाता है जब संजय को जीवन बदलाने की लाइव फोन कॉल आता है। ये उनकी की दोस्त अंजलि शर्मा है जिसका किरदार भावनात्मक तुलिप जोशी ने निभाया है और उनकी शादी होने वाली ये खबर संजय के परेशानी में डाल देता है। उसे अंजलि के लिए अपनी भागवारी भावनाओं का एहसास होता है लेकिन वर्षों के दोस्ती से उसे कबूल करने की रोक दिया जाता है। इस बीच अंजलि जिमी शर्गिल द्वारा अभिनीत रोहित खन्ना ने शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्रतीत होता है कि रोहित वो सब कुछ कर रहा है जो लड़कियों चाहते हैं। आकर्षक बपल हो जाते अंजलि के लिए एकदम सही। हालांकि अंजलि की अगमत योजना के बाधा उत्पन्न होती है। जैसे जैसे शादी नजदीक रही है संजय अपनी भावनाओं के जुदा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जटिल चिंती से कैसे निपट जाए। जब संजय अंजलि का दिल जीतने की यात्रा पर निकलते हैं उसे पहले की बहुत देर हो जाए। यारिया उसकी हमेशा सहयोग करने वाली विश्वपात्र रहस्य उद्घाटन राहत और सहारा देने लिए एक कंधा प्रदान करते हैं। मेरे प्यार की शादी है यश राज फिल्म्स के तहत के लिए लाभदायक खास साबित हुई जिसमें दुनिया भर में 30 करोड़ की अधिक की कमाई की। इस सफलता का श्रेय मनोरंजन तो के उत्तम मिश्रण के दिया जा सकते हैं। अनु मालिक द्वारा रचित सिनेमा के संगीत शीर्षक के ट्रैक और दिल डोलर जैसे आकर्षक धुनों के साथ चार्टबस्टर बन गया है। स्थापित और उतरे हुए अभिनेता के मिशन वाले कलाकारों के दमदार प्रदर्शन किया। उदय चोपड़ा, विशाल सासु, जिमी शर्गिल और नवंतुक ब्लूप्रिंट जोशो की अपने किरदारों के जीवंत कर दिया है जिसमें कहानी दर्शकों के लिए प्रासंगिक बन गया है। फिल्म का घरेलू प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली या भारत में धर्म अकटी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रूप से स्थान पर उभरी है जिसमें 24 करोड़ के अधिक की कमाई की। ये सफलता युवाओं के प्रति उसकी मजबूत अपील ने उसकी ऊपरी प्यार दोस्ती थोड़ी उलझान के बारे में हल्की फुल्की कहानी युवा दर्शकों को पसंद आई है। फिल्म का संगीत ने इसकी पहुंच की और बढ़ापा दिया, युवा दर्शकों को सिनेमाघरों का तक खींचा। मेरे प्यार की शादी है को विदेश में भी सफलता मिली। इसमें वैश्विक स्तर पर 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। यूनाइटेड किंगडम्स के विशाल भारत प्रवासी ने इस उपलब्धि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की प्रासंगिक कहानी और प्यार को दोस्ती के परिचित विषय के साथ साथ आकर्षक संगीत के विदेशी भारत दर्शकों को प्रभावित किया। विशेष रूप में फिल्म ने अकेले यूके में 263,000 अधिक की कमाई की। फुल मिलाकर मेरे प्यार की शादी में बॉक्स ऑफिस सफलता ने उभरते सितारों के रूप में उतनी प्रमुख अभिनेताओं की स्थिति को मजबूत किया और दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक मनोरंजक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में अपनी जगह पक्की की।
गंगा शांति की एक बिगर गवरा के प्रतीन शहर के होकर बहती है। उसकी कोमल ध्वनि और राय खन्ना के जीवन में एक निरंतर संगीत है। एक प्रसिद्ध लाबला मादक राव की उंगलियों टकड़ी आँखों के लेकर परिणित्व करती थी। लयबुद्ध ताल और माध्यम से प्रेम और लालसा की कहानियों बुनती थी। फिर भी उसका अपना हृदय एक अनबजय हुआ रंगा बना रहा था। खोए हुए अतीत के प्रेम के कारण तार मोड़ रह गए थे। 10 साल पहले उसकी प्रीमियतमा अंजलि ने अपनी अभरती हुई और कहानी बजाई की दुनिया भर में प्रसिद्ध पाने की जीवन बना चुका है। एक ताकती दोपहरों में जैसे हवारा ब्रिज के हलचल भरे झूल रहा था, राय की दुनिया के अस्त बस्त किरानों के सामान की टक्कर और घबरा हुई माफी से अस्त बस्त हो गई है। उन्होंने खुद को तारा खन्ना के आमने सामने पाया, एक ऐसी महिला जिसमें उग्र आत्मा उसके साथे पर लगी गई लाल रंग की बिंदी वो प्रतिबिंबित करती थी। एक असंभवित मुलाकात जो शायद ही नियति दूसरे कृत्यों की योजना बना रही है। तारा एक प्रसिद्ध एडीसी विज्ञान की एक दशक के बारे में अपने बचपन के शहर की परिचित के सांत्वना की तलाश में हावड़ा लौट आई थी। उनका करियर जो एक समय ऊंची उड़ान भर रहा था, घंटे घुटने की गंभीर चोट के कारण एक रुका गया। वो शहर जो कभी उसके जीवन सपनों का कैनवास था, अब उनके नुकसान के खेखलेपन को गूंज रहा उठा था। उनके प्रारंभिक बातचीत झिझक भरे भ्रष्टाचार से भरे उठी थी। राय तारा की उग्र भावना और उसकी आंखों में चमकती आंसुओं से मोहित होकर उसने लिए एक चरणा लिखने के लिए खुद को तैयार किया। वह तबले के लिए बुद्ध तान तारा के तुरंत दमदूरी तूफान भावनाओं के प्रतिबिंबित करती हुई प्रभावित हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखों बंद किए संगीत में खी खो गई। उसका शरीर एक बार झिझक रहे उठे, हरकत करने वाला अस्थायी बोलबाला एक सुंदर समुद्री डाकू उसके भीतर की नर्तकी उजग उठा। दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी दोपहर गंगा किनारे चौराहे गए क्षणों में बीत गई। राय ने अपनी सौम्य प्रभावित में तारा के भीतर नित्यों की चिंगारी फिर से जग उठी। उन्होंने उसकी सुरक्षाओं की एक ताकत खोई, एक लीचेपन जो गंगा की एकदम भावना के प्रतिबिंबित करता था। तारा ने बदले में संगीत की तीव्र प्रति एक जुनून का पता चलाया जिसे वो उसी जानती थी। राय की खूने उनकी प्रतिबिंबित का विस्तार बन गई। उनकी आत्माओं के बीच बातचीत एक बारिश में भीगी शाम ट्रिस्ट लैब की मंद चमक ने राय ने अपनी बढ़ती भावनाओं को कबूल किया। तारा पहले तो झिझक वही थी क्योंकि उसका अतीत एक निरंतर साझा था। अंत में उससे अपनी तर्सकता छोड़ दी। बारिश की लय उनकी अपनी निजी सेरेनोट बन गई जो शहर की आर्जकता के बीच मनप रही एक प्रेम कहानी का प्रमाण है। हालांकि उनका नया प्यार चुनौतियों से विरहित नहीं था। सामाजिक उपेक्षा, विशेष रूप से राय के परिवारवादी परिवार के एक संगीतकार और एक नर्तक के बीच के रिश्ते को नापसंद करती थी। दोनों अपने चरम पर थे। तारा का आत्म संदेह उनकी चोट के कारण भड़का, उसके जुनून की लो की बुझाने की धमकी दी है। हमेशा आशावादी रहने वाली रायक ने एक विशेष प्रस्तुति की रचना करने वाले निर्णय लिया। उन्होंने तारा को न केवल अपने शरीर के साथ बल्कि अपने आत्मा के साथ नृत्य करते हुए देखा। उन्होंने स्थानीय संगीतकार के साथ मिलकर धनी की एक ऐसी ट्रेपेस्ट्री बुनी जिसमें हरा का सार शामिल था। स्ट्रीम का लयबद्ध गड़गड़ाहट उसका किकृताओं की भावपूर्ण खींचा, गंगा की कोमल कमल कलकल ध्वनि प्रदर्शन की रात आ गई। हवा प्रकाश में भर गई। कमकीले लाल रंग की साड़ी में सजी तारा मंच की खींचे पड़ी थी। उसकी आंखों में डर की झलकती राय में उसका हाथ हवराया, उसका मौन समर्थन ताकत और स्रोत बन गया। जैसे ही संगीत के पहले स्वर गूंजे तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जाने दिया। उसकी गतिविधियों अंग्रहों को तकली स्वीकृत की जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। उन्होंने सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए राय के लिए उसके प्यार अनित्यों का जिसमें उसके भीतर आग की फिर से आगा दिया था। उनके बाद उनके लिए गड़गड़ाहट गूंज उठी। तारा की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं विजय के आंसू। उसने ना केवल अपने डर पर विजय पा ली बल्कि नित्यों के आनंद के से खोज लिया था। राय की आंखों में उसने सिर्फ प्यार नहीं बल्कि प्रशंसा और सम्मान देखा, अपने उसकी कमजोरी की देखा जो उसके ताकत को पोषण किया था। उनके एक साथ यात्रा कोई परिक्रिया नहीं थी। आत्मसंदेह, सामाजिक दबाव और तारा की सीमाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई के दिन थे। फिर भी उनकी प्रेम कहानी गंगा की तरह हर तूफान का सामना करना था। राय ने रचना करना जारी रखा। उसने संगीत से तारा और अटूट भावना से प्रतीत एक नया उत्साह था। हालांकि
तारा भाव्य मंचों पर प्रदर्शन करने में असमर्थ थी, लेकिन उसे नृत्यों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवा लड़कियों के सिखाने में सांत्वना मिली। वर्षों बाद गंगा के सामने एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे राय ने तारा की उत्साही लड़कियों के एक समूह को बढ़ाते देखा। उसके हृदय के लहरा की एक कमजोर थी, फिर भी उसने वही उपहोक्रिय जुनून था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई क्योंकि वो एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं थी। अंजलि को एहसास होता है कि वो संजय से प्यार करती है। वो शादी से भाग जाती है और उसे ढूंढने के लिए मुंबई जाती है। संजय उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की इजहार कर दिया जाता है। फिल्म संजय अंजलि की शादी के साथ सप्ताह होती है। समीत जो एक अच्छा खिलाड़ी है उनके रिश्ते को स्वीकार करता है और यहाँ तक कि उनकी शादी में भाग लेने तो भी करता है। ये मेरा शादी है मेरा मन महत्वपूर्ण कथानक के साथ एक हल्की फुल्की और मनोरंजन फिल्म है। कथानी फिल्म की अच्छी बनी है और इसमें कुछ आकर्षक भान भी है। कलाकारों अभिनय की सराहना, खासकर उदय चोपड़ा और तुलिप जोशी मिलाकर ये मेरा यार की शादी एक मजेदार फिल्म है जो रोमांटिक कॉमेडी के प्रशंसकों को निश्चित रूप से खुश करेंगी। फिल्म दोस्तों के एक समूह पर केंद्रित है जो उनकी दिग्गजी का गलत टाइमिंग के एक क्लासिक मामले के उलझा जाता है। उदय चोपड़ा ने संजय मल्होत्रा की भूमिका निभाई जो एक लापरवाह युवक है जो अपनी रूममेट रिया के साथ मुंबई में अपने कुंवारी जीवन के संतुष्ट, जिसका किरदार बिपाशा बासु ने निभाया है। इनका आसान चिंचर्या तब बाधित हो जाता है जब संजय को जीवन बदलाने की लाए भवन कॉल आता है। ये उनकी की दोस्त अंजलि शर्मा है जिसका किरदार भावनात्मक टुलु जोशी ने निभाया है और उनकी शादी होने वाली ये खबर संजय के परेशानी में डाल देता है। उसे अंजलि के लिए अपनी भागवारी भावनाओं का एहसास होता है, लेकिन वर्षों के दोस्ती से उसे कबूल करने की रोक दिया जाता है। इस बीच अंजलि जिमी शर्गिल द्वारा अभिनीत रोहित खन्ना ने शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्रतीत होता है कि रोहित वो सब कुछ कर रहा है जो लड़कियों चाहते हैं। आकर्षक बल हो जाता अंजलि के लिए एकदम सही। हालांकि अंजलि की अगमत योजना के बाधा उत्पन्न होती है। जैसे जैसे शादी नजदीक रही है संजय अपनी भावनाओं के जुदा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जटिल चिंती से कैसे निपट जाए। जब संजय अंजलि का दिल जीतने की यात्रा पर निकलते हैं उसे पहले की बहुत देर हो जाए। यारिया उसकी हमेशा सहयोग करने वाली विश्वपात्र रहस्य उद्घाटन राहत और सहारा देने लिए एक कंधा प्रदान करते हैं। मेरे प्यार की शादी है यश राज फिल्म्स के तहत के लिए लाभदायक खास साबित हुई, जिसमें दुनिया भर में 30 करोड़ की अधिक की कमाई की। इस सफलता का श्रेय मनोरंजन तो के उत्तम मिश्रण के दिया जा सकते हैं। अनु मालिक द्वारा रचित सिनेमा के संगीत शीर्षक के ट्रैक और दिल डोलारे जैसे आकर्षक धुनों के साथ चार्टबस्टर बन गया है। स्थापित और उतरे हुए अभिनेता के मिशन वाले कलाकारों के दमदार प्रदर्शन किया। उदय चोपड़ा, विशाखा सासु, जिमी शर्गिल और नवंतुक रूपेंट जोशो की अपने किरदारों के जीवंत कर दिया है, जिसमें कहानी दर्शकों के लिए प्रासंगिक बन गया है। फिल्म का घरेलू प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली या भारत में धर्म अकटी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रूप से स्थान पर उभरी है, जिसमें 24 करोड़ के अधिक की कमाई की। ये सफलता युवाओं के प्रति उसकी मजबूत अपील ने उसकी ऊपरी प्यार दोस्ती थोड़ी उलझान के बारे में हल्की फुल्की कहानी युवा दर्शकों को पसंद आई है। फिल्म का संगीत ने इसकी पहुंच की और बढ़ापा दिया, युवा दर्शकों को सिनेमाघरों का तक खींचा। मेरे प्यार की शादी है को विदेश में भी सफलता मिली, इसमें वैश्विक स्तर पर 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। यूनाइटेड किंगडम्स के विशाल भारत प्रवासी ने इस उपलब्धि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की प्रासंगिक कहानी और प्यार को दोस्ती के परिचित विषय के साथ साथ आकर्षक संगीत के विदेशी भारत दर्शकों को प्रभावित किया। विशेष रूप में फिल्म ने अकेले यूके में 263,000 अधिक की कमाई की। फुल मिलाकर मेरे प्यार की शादी में बॉक्स ऑफिस सफलता ने उभरते सितारों के रूप में उतनी प्रमुख अभिनेताओं की स्थिति को मजबूत किया और दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक मनोरंजक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में अपनी जगह पक्की की। गंगा शांति की एक बिगर गवरा के प्रतीन शहर के होकर बहती है। उसकी कोमल धनी और राय खन्ना के जीवन में एक निरंतर संगीत है। एक प्रसिद्ध लावला मादक राव की उंगलियों टकड़ी आँखों के लेकर पर नृत्य करती थी। लयबुद्ध ताल और माध्यम से प्रेम और लालसा की कहानियों बुनती थी। फिर भी उसका अपना हृदय एक अनबजया हुआ रंगा बना रहा था। खोए हुए अतीत के प्रेम के कारण तार मोड़ रह गए थे। 10 साल पहले उसकी प्रियतमा अंजलि ने अपनी अभरती हुई और कहानी बजाई की दुनिया भर में प्रसिद्ध पाने की जीवन बना चुका है। एक ताकती दोपहरों में जैसे हवारा ब्रिज के हलचल भरे झूल रहा था, राय की दुनिया के अस्त व्यस्त किरानों के सामान की टक्कर और घबरा हुई माफी से अस्त व्यस्त हो गई है। उन्होंने खुद को तारा खन्ना के आमने सामने पाया, एक ऐसी महिला जिसमें उग्र आत्मा उसके साथे पर लगी गई लाल रंग की बिंदी को प्रतिबिंबित करती थी। एक असंमित मुलाकात जो शायद ही नियति दूसरे कृत्यों की योजना बना रही है। तारा एक प्रसिद्ध एडीसी विज्ञान की एक दशक के बारे में अपने बचपन के शहर की परिचित मात्र
सफलता के सांत्वना की तलाश में हावड़ा लौट आई थी। उनका करियर जो एक समय ऊंची उड़ान भर रहा था, घंटे घुटने की गंभीर चोट के कारण एक रुका गया। वो शहर जो कभी उसके जीवन सपनों का कैनवास था, अब उनके नुकसान के खेखलेपन को गूंज रहा उठा था। उनके प्रारंभिक बातचीत झिझक भरे शिष्टाचार से भरे उठी थी। राय तारा की उग्र भावना और उसकी आंखों में चमकती आंसुओं से मोहित होकर उसने लिए एक चरणा लिखने के लिए खुद को तैयार किया। वह तबले के लिए बुद्ध तान तारा के तुरंत दमदूरी तूफान भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हुए प्रभावित हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखों बंद किए संगीत में खींच हो गई, उसका शरीर एक बार झिझक रहे उठे। हरकत करने वाला अस्थाई बोलबाला एक सुंदर समुद्री डाकू उसके भीतर की नर्तकी उजग उठा। दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी दोपहर गंग किनारे चौराहे गए क्षणों में बीत गई। राय ने अपनी सौम्यवृत्ताहित में तारा के भीतर नित्यों की चिंगारी फिर से जग उठी। उन्होंने उसकी सुरक्षाओं की एक ताकत खोई, एक लीचेपन जो गंगा की एकदम भावना के प्रतिबिंबित करता था। तारा ने बदले में संगीत की तीव्र प्रति एक जुनून का पता चलाया जिसे वो उसी जानती थी। राय की खूने उनकी प्रतिबिंबित का विस्तार बन गई। उनकी आत्माओं के बीच बातचीत एक बारिश में भीगी शाम ट्रिस्ट लैब की मंद चमक ने राय ने अपनी बढ़ती भावनाओं को कबूल किया। तारा पहले तो झिझक वही थी क्योंकि उसका अतीत एक निरंतर साझा था, अंत में उससे अपनी तर्सकता छोड़ दी। बारिश की लय उनकी अपनी निजी सेरेनोट बन गई जो शहर की आरजकता के बीच मनप रही एक प्रेम कहानी का प्रमाण है। हालांकि उनका नया प्यार चुनौतियों से रहित नहीं था। सामाजिक उपेक्षा, विशेष रूप से राय के बहिर्वादी परिवार के एक संगीतकार और एक नर्तक के बीच के रिश्ते को नापसंद करती थी। दोनों अपने चरम पर थे। तारा का आत्म संदेह उनकी चोट के कारण भड़का, उसके जुनून की लो की बुझाने की धमकी दी है। हमेशा आशावादी रहने वाले रायक ने एक विशेष प्रस्तुति की रचना करने वाले निर्णय लिया। उन्होंने तारा को न केवल अपने शरीर के साथ बल्कि अपने आत्मा के साथ नृत्य करते हुए देखा। उन्होंने स्थानीय संगीतकार के साथ मिलकर धनी की एक ऐसी ट्रेपेस्ट्री बुनी जिसमें हरा का सार शामिल था। स्ट्रीम का लयबद्ध गड़गड़ाहट, उसका किकराताओं की भावपूर्ण खींचा, गंगा की कोमल कमल कलकल ध्वनि, प्रदर्शन की रात आ गई, हवा प्रकाश में भर गई। कमकीले लाल रंग की साड़ी में सजी तारा मंच की खींचे पड़ी थी। उसकी आंखों में डर की झलकती राय में उसका हाथ हवराया, उसका मौन समर्थन ताकत और स्रोत बन गया। जैसे ही संगीत के पहले स्वर गूंजे, तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जाने दिया। उसकी गतिविधियों अंग्रहों को तकलीफ स्वीकार की जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। उन्होंने सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, राय के लिए उसके प्यार नृत्यों का जिसमें उसके भीतर आग की फिर से आगा दिया था। उनके बाद उनके लिए गड़गड़ाहट गूंज उठी। तारा की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं विजय के आंसू। उसने ना केवल अपने डर पर विजय पा ली बल्कि नित्यों के आनंद के से खोज लिया था। राय की आंखों में उसने सिर्फ प्यार नहीं बल्कि प्रशंसा और सम्मान देखा, अपने उसकी कमजोरी की देखा जो उसके ताकत को पोषण किया था। उनके एक साथ यात्रा कोई परिक्रिया नहीं थी, आत्मसंदेह, सामाजिक दबाव और तारा की सीमाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई के दिन थे। फिर भी उनकी प्रेम कहानी गंगा की तरह हर तूफान का सामना करना था। राय ने रचना करना जारी रखा, उसने संगीत से तारा और अटूट भावना से प्रतीत एक नया उत्साह था। हालांकि तारा भव्य मंचों पर प्रदर्शन करने में असमर्थ थी, लेकिन उसे नृत्यों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवा लड़कियों के सिखाने में सांत्वना मिली। वर्षों बाद गंगा के सामने एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे राय ने तारा की उत्साही लड़कियों के एक समूह को बढ़ाते देखा। उसके हृदय के लहरा की एक कमजोर थी, फिर भी उसने वही उपहोक्रिय जुनून था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई क्योंकि वो एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं थी। अंजलि को एहसास होता है कि वो संजय से प्यार करती है। वो शादी से भाग जाती है और उसे ढूंढने के लिए मुंबई जाती है। संजय उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की जाहिर कर दिया जाता है। फिल्म संजय अंजलि की शादी के साथ सप्ताह होती है। समीत जो एक अच्छा खिलाड़ी है उनके रिश्ते को स्वीकार करता है और यहां तक कि उनकी शादी में भाग लेने तो भी करता है। ये मेरा शादी है मेरा मन महत्वपूर्ण कथानक के साथ एक हल्की फुल्की और मनोरंजन फिल्म है। कथानी फिल्म की अच्छी बनी है और इसमें कुछ आकर्षक भान भी है। कलाकारों अभिनय की सराहना, खासकर उदय चोपड़ा और तुलिप जोशी मिलाकर ये मेरा यार की शादी एक मजेदार फिल्म है जो रोमांटिक कॉमेडी के प्रशंसकों को निश्चित रूप से खुश करेंगे। फिल्म दोस्तों के एक समूह पर केंद्रित है जो उनकी दिग्गज गलत टाइमिंग के एक क्लासिक मामले के उलझा जाता है। उदय चोपड़ा ने संजय मल्होत्रा की भूमिका निभाई जो एक लापरवाह युवक है जो अपनी रूममेट रिया के साथ मुंबई में अपने कुमारी जीवन के संतुष्ट, जिसका किरदार बिपाशा बासु ने निभाया है, जिनका आसान चिंचर्या तब
बाधित हो जाते हैं जब संजय को जीवन बदलाने की लाइव भवन कॉल आता है। ये उनकी बचपन की दोस्त अंजलि शर्मा है जिसका किरदार भावनात्मक टुलु जोशी ने निभाया है और उनकी शादी होने वाली ये खबर संजय के परेशानी में डाल देता है। उसे अंजलि के लिए अपनी भागवाड़ी भावनाओं का एहसास होता है लेकिन वर्षों के दोस्ती से उसे कबूल करने की रोक दिया जाता है। इस बीच अंजलि जिमी शर्गिल द्वारा अभिनीत रोहित खन्ना ने शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्रतीत होता है कि रोहित वो सब कुछ कर रहे हैं जो लड़कियों चाहते हैं। आकर्षक बहपल हो जाते अंजलि के लिए एकदम सही। हालांकि अंजलि की अगमत योजना के बाधा उत्पन्न होती है। जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही है संजय अपनी भावनाओं के जुदा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जटिल चिंती से कैसे निपट जाए। जब संजय अंजलि का दिल जीतने की यात्रा पर निकलते हैं उसे पहले की बहुत देर हो जाए या रिया उसकी हमेशा सहयोग करने वाली विश्वपात्र रहस्य उद्घाटन राहत और सहारा देने लिए एक कंधा प्रदान करते हैं। मेरे प्यार की शादी है यश राज फिल्म्स के तहत के लिए लाभदायक खास साबित हुई। इसमें दुनिया भर में 30 करोड़ की अधिक की कमाई की। इस सफलता का श्रेय मनोरंजन तो के उत्तम मिश्रण के दिया जा सकते हैं। अनु मालिक द्वारा रचित शिल्मा के संगीत शीर्षक के ट्रैक और दिल डोलर जैसे आकर्षक धुनों के साथ चार्टबास्टर बन गया है। स्थापित और उतरे हुए अभिनेताओं के मिशन वाले कलाकारों के दमदार प्रदर्शन किया। उदय चोपड़ा विशाल आशू जिमी शर्गिल और मंतुक ब्लूप्रिंट जोशो की अपने किरदारों के जीवंत कर दिया है जिसमें कहानी दर्शकों के लिए प्रासंगिक बन गया है। फिल्म का घरेलू प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली या भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रूप से स्थान पर उभरी है जिसमें 24 करोड़ के अधिक की कमाई की। ये सफलता युवाओं के प्रति उसकी मजबूत अपील ने उसकी ऊपरी प्यार दोस्ती थोड़ी उलझान के बारे में हल्की फुल्की कहानी युवा दर्शकों को पसंद आई है। फिल्म के आकर्षक संगीत ने इसकी पहुंच की और बढ़ापा दिया युवा दर्शकों को सिनेमाघरों का तक खींचा। मेरे प्यार की शादी है को विदेश में भी सफलता मिली। इसमें वैश्विक स्तर पर 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। यूनाइटेड किंगडम्स के विशाल भारतीय प्रवासी ने इस उपलब्धि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की प्रासंगिक कहानी और प्यार को दोस्ती के परिचित विषय के साथ साथ आकर्षक संगीत के विदेशी भारत दर्शकों को प्रभावित किया। विशेष रूप में फिल्म ने अकेले यूके में 263,000 अधिक की कमाई की। फुल मिलाकर मेरे प्यार की शादी में बॉक्स ऑफिस सफलता ने उभरते सितारों के रूप में उतनी प्रमुख अभिनेताओं की स्थिति को मजबूत किया और दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक मनोरंजक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में अपनी जगह पक्की की। गंगा शांति की एक बिगर गवरा के प्रतीन शहर के होकर बहती है। उसकी कोमल धनी और राय खन्ना के जीवन में एक निरंतर संगीत है। एक प्रसिद्ध लावला मादक राव की उंगलियों टकरी आँखों के लेकर परिनित्व करती थी। लयबुद्ध ताल और माध्यम से प्रेम और लालसा की कहानियों बुनती थी। फिर भी उसका अपना हृदय एक अनबजया हुआ रंगा बना रहा था। खोए हुए अतीत के प्रेम के कारण तार मोड़ रह गए थे। 10 साल पहले उसकी प्रियतमा अंजलि ने अपनी अभरती हुई और कहानी बजाई की दुनिया भर में प्रसिद्ध पाने की जीवन बना चुका है। एक ताकती दोपहरों में जैसे हवारा ब्रिज के हलचल भरे झूल रहा था राय की दुनिया के अस्त व्यस्त किरानों के सामान की टक्कर और घबरा हुई माफी से अस्त व्यस्त हो गई है। उन्होंने खुद को तारा खन्ना के आमने सामने पाया। एक ऐसी महिला जिसमें उग्र आत्मा उसके साथे पर लगी गई लाल रंग की बिंदी वो प्रतिबिंबित करती थी। एक असंभवित मुलाकात जो शायद ही नियति दूसरे कृत्यों की योजना बना रही है। तारा एक प्रसिद्ध एडीसी विज्ञान की एक दशक के बारे में अपने बचपन के शहर की परिचित के सांत्वना की तलाश में हावड़ा लौट आई थी। उनका करियर जो एक समय ऊंची उड़ान भर रहा था घंटे घुटने की गंभीर चोट के कारण एक रुका गया। वो शहर जो कभी उसके जीवन सपनों का कैनवास था अब उनके नुकसान के खेकलेपन को गूंज रहा उठा था। उनके प्रारंभिक बातचीत झिझक भरे भ्रष्टाचार से भरे उठी थी। राय तारा की उग्र भावना और उसकी आंखों में चमकती आंसुओं से मोहित होकर उसने लिए एक चरणा लिखने के लिए खुद को तैयार किया। वो तबले के लिए बुद्ध तान तारा के तुरंत दमदूरी तूफान भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हुए प्रभावित हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखों बंद किए संगीत में खींच हो गई। उसका शरीर एक बार झिझक रहे उठे हरकत करने वाला अस्थाई बोलबाला एक सुंदर समुद्री डाकू उसके भीतर की नर्तकी उजग उठा। दिन हफ्तों में बदल गए। उनकी दोपहर गंग किनारे चौराहे गए क्षणों में बीत गई। राय ने अपनी सौम्य प्रतिहित में तारा के भीतर नित्यों की चिंगारी फिर से जग उठी। उन्होंने उसकी सुरक्षाओं की एक ताकत खोई एक लीचेपन जो गंगा एकदम भावना के प्रतिबिंबित करता था। तारा ने बदले में संगीत की तीव्र प्रति एक जुनून का पता चलाया जिसे वो उसी जानती थी। राय की खूने उनकी प्रतिबिंबित का विस्तार बन गई। उनकी आत्माओं के बीच बातचीत एक बारिश में भीगी शाम ट्रिस्ट लैब की मंद चमक ने राय ने अपनी बढ़ती भावनाओं को कबूल किया। तारा पहले
तो झिझक वही थी क्योंकि उसका अतीत एक निरंतर साझा था। अंतम उससे अपनी तर्कसंगतता छोड़ दी। बारिश की लय उनकी अपनी निजी सेरेनोट बन गई जो शहर की अराजकता के बीच मनप रही एक प्रेम कहानी का प्रमाण है। हालांकि उनका नया प्यार चुनौतियों से विरहित नहीं था। सामाजिक उपेक्षा, विशेष रूप से राय के परिवारवादी परिवार के एक संगीतकार और एक नर्तक के बीच के रिश्ते को नापसंद करती थी। दोनों अपने चरम पर थे। तारा का आत्म संदेह उनकी चोट के कारण भड़का, उसके जुनून की लो की बुझाने की धमकी दी है। हमेशा आशावादी रहने वाले रायक ने एक विशेष प्रस्तुति की रचना करने वाले निर्णय लिया। उन्होंने तारा को न केवल अपने शरीर के साथ बल्कि अपने आत्मा के साथ नृत्य करते हुए देखा। उन्होंने स्थानीय संगीतकार के साथ मिलकर धनी की एक ऐसी ट्रेपेस्ट्री बुनी जिसमें हरा का सार शामिल था। स्ट्रीम का लयबद्ध गड़गड़ाहट, उसका किकराताओं की भावपूर्ण खींचा, गंगा की कोमल कमल कलकल ध्वनि, प्रदर्शन की रात आ गई, हवा प्रकाश में भर गई। कमकीले लाल रंग की साड़ी में सजी तारा मंच की खींचे पड़ी थी। उसकी आंखों में डर की झलकती, राय में उसका हाथ हवराया, उसका मौन समर्थन ताकत और स्रोत बन गया। जैसे ही संगीत के पहले स्वर गूंजे, तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जाने दिया। उसकी गतिविधियों अंग्रहों को तकरी सिक्रिया की जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। उन्होंने सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, राय के लिए उसके प्यार अनित्यों का जिसमें उसके भीतर आग की फिर से आगा दिया था। उनके बाद उनके लिए घरघराहट गूंज उठी। तारा की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं, विजय के आंसू। उसने ना केवल अपनी डर पर विजय पा ली बल्कि नित्यों के आनंद के से खोज लिया था। राय की आंखों में उसने सिर्फ प्यार नहीं बल्कि प्रशंसा और सम्मान देखा, अपने उसकी कमजोरी की देखा जो उसके ताकत को पोषण किया था। उनके एक साथ यात्रा कोई परिक्रिया नहीं थी, आत्मसंदेह, सामाजिक दबाव और तारा की सीमाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई के दिन थे। फिर भी उनकी प्रेम कहानी गंगा की तरह हर तूफान का सामना करना था। राय ने रचना करना जारी रखा, उसने संगीत से तारा और अटूट भावना से प्रतीत एक नया उत्साह था। हालांकि तारा भव्य मंचों पर प्रदर्शन करने में असमर्थ थी, लेकिन उसे नृत्यों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवा लड़कियों के सिखाने में सांत्वना मिली। वर्षों बाद गंगा के सामने एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे राय ने तारा की उत्साही लड़कियों के एक समूह को बढ़ाते देखा। उसके हृदय के लहरा की एक कमजोर थी, फिर भी उसने वही उपहोक्रिय जुनून था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई क्योंकि वो एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं थी। अंजलि को एहसास होता है कि वो संजय से प्यार करती है। वो शादी से भाग जाती है और उसे ढूंढने के लिए मुंबई जाती है। संजय उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की जाहिर कर दिया जाता है। फिल्म संजय अंजलि की शादी के साथ सप्ताह होती है। समीत जो एक अच्छा खिलाड़ी है उनके रिश्ते को स्वीकार करता है और यहां तक कि उनकी शादी में भाग लेने तो भी करता है। ये मेरा शादी है मेरा मन महत्वपूर्ण कथानक के साथ एक हल्की फुल्की और मनोरंजन फिल्म है। कथानी फिल्म की अच्छी बनी है और इसमें कुछ आकर्षक भान भी है। कलाकारों अभिनय की सराहनीय, खासकर उदय चोपड़ा और तुलिप जोशी मिलाकर ये मेरा यार की शादी एक मजेदार फिल्म है जो रोमांटिक कॉमेडी के प्रशंसकों को निश्चित रूप से खुश करेंगी। फिल्म दोस्तों के एक समूह पर केंद्रित है जो उनकी दिग्गज गलत टाइमिंग के एक क्लासिक मामले के उलझा जाता है। उदय चोपड़ा ने संजय मल्होत्रा की भूमिका निभाई जो एक लापरवाह युवक है जो अपनी रूममेट रिया के साथ मुंबई में अपने कुमारी जीवन के संतुष्ट, जिसका किरदार बिपाशा बासु ने निभाया है। इनका आसान चिंचर्या तब बाधित हो जाता है जब संजय को जीवन बदलाने की लाय भवन कॉल आता है। ये उनकी बचपन की दोस्त अंजलि शर्मा है जिसका किरदार भावनात्मक टुल जोशी ने निभाया है और उनकी शादी होने वाली ये खबर संजय के परेशानी में डाल देता है। उसे अंजलि के लिए अपनी भागवाड़ी भावनाओं का एहसास होता है, लेकिन वर्षों के दोस्ती से उसे कबूल करने की रोक दिया जाता है। इस बीच अंजलि जिमी शर्गिल द्वारा अभिनीत रोहित खन्ना ने शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्रतीत होता है कि रोहित वो सब कुछ कर रहा है जो लड़कियों चाहते हैं। आकर्षक बल हो जाते अंजलि के लिए एकदम सही। हालांकि अंजलि की अगमत योजना के बाधा उत्पन्न होती है। जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही है संजय अपनी भावनाओं के जुदा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जटिल चिंता से कैसे निपट जाए। जब संजय अंजलि का दिल जीतने की यात्रा पर निकलते हैं उसे पहले की बहुत देर हो जाए। यारिया उसकी हमेशा सहयोग करने वाली विश्वपात्र रहस्य उद्घाटन राहत और सहारा देने लिए एक कंधा प्रदान करते हैं। मेरे प्यार की शादी है यश राज फिल्म्स के तहत के लिए लाभदायक खास साबित हुई, जिसमें दुनिया भर में 30 करोड़ की अधिक की कमाई की। इस सफलता का श्रेय मनोरंजन तो के उत्तम मिश्रण के दिया जा सकते हैं। अनु मालिक द्वारा रचित सिनेमा के संगीत शीर्षक के ट्रैक और दिल डोलर जैसे आकर्षक धुनों के साथ चार्टबस्टर बन गया है। स्थापित और उतरे हुए अभिनेताओं
बचाओ के मिशन वाले कलाकारों के दमदार प्रदर्शन किया। उदय चोपड़ा, दिशा जासू, जिमी शर्गिल और नवंतुक ब्लूप्रिंट जोशो की अपने किरदारों के जीवंत कर दिया है, जिसमें कहानी दर्शकों के लिए प्रासंगिक बन गया है। फिल्म का घरेलू प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली या भारत में धर्म अकटी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रूप से स्थान पर उभरी है, जिसमें 24 करोड़ के अधिक की कमाई की। ये सफलता युवाओं के प्रति उसकी मजबूत अपील ने उसकी ऊपरी प्यार दोस्ती तोड़ी उलझान के बारे में हल्की फुल्की कहानी युवा दर्शकों को पसंद आई है। फिल्म के आकर्षक संगीत ने इसकी पहुंच की और बढ़ापा दिया, युवा दर्शकों को सिनेमाघरों का तक खींचा। मेरे प्यार की शादी है को विदेश में भी सफलता मिली, इसमें वैश्विक स्तर पर 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। यूनाइटेड किंगडम्स के विशाल भारतीय प्रवासी ने इस उपलब्धि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की प्रासंगिक कहानी और प्यार को दोस्ती के परिचित विषय के साथ साथ आकर्षक संगीत के विदेशी भारत दर्शकों को प्रभावित किया। विशेष रूप में फिल्म ने अकेले यूके में 263,000 अधिक की कमाई की। फुल मिलाकर मेरे प्यार की शादी में बॉक्स ऑफिस सफलता ने उभरते सितारों के रूप में उतनी प्रमुख अभिनेताओं की स्थिति को मजबूत किया और दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक मनोरंजक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में अपनी जगह पक्की की। गंगा शांति की एक बिगर गवरा के प्रतीन शहर के होकर बहती है, उसकी कोमल धनी और राय खन्ना के जीवन में एक निरंतर संगीत है। एक प्रसिद्ध लावला मादक राव की उंगलियों टकरी आँखों के लेकर परिनित्व करती थी, लयबुद्ध ताल और माध्यम से प्रेम और लालसा की कहानियों बुनती थी। फिर भी उसका अपना हृदय एक अनबजय हुआ रंगा बना रहा था, खोए हुए अतीत के प्रेम के कारण तार मोड़ रह गए थे। 10 साल पहले उसकी प्रीमियतमा अंजलि ने अपनी अभरती हुई और कहानी बजाई की दुनिया भर में प्रसिद्ध पाने की जीवन बना चुका है। एक ताकती दोपहरों में जैसे हवारा ब्रिज के हलचल भरे झूल रहा था, राय की दुनिया के अस्त व्यस्त किरानों के सामान की टक्कर और घबरा हुई माफी से अस्त व्यस्त हो गई है। उन्होंने खुद को तारा खन्ना के आमने सामने पाया, एक ऐसी महिला जिसमें उग्र आत्मा उसके साथे पर लगी गई लाल रंग की बिंदी को प्रतिबिंबित करती थी। एक असंभवित मुलाकात जो शायद ही नियति दूसरे कृत्यों की योजना बना रही है। तारा एक प्रसिद्ध एडीसी मृत्योज्ञान के एक दशक के बारे में अपने बचपन के शहर की परिचित के सांत्वना की तलाश में हावड़ा लौट आई थी। उनका करियर जो एक समय ऊंची उड़ान भर रहा था, घंटे घुटने की गंभीर चोट के कारण एक रुका गया। वो शहर जो कभी उसके जीवन सपनों का कैनवास था, अब उनके नुकसान के खेकलेपन को गूंज रहा उठा था। उनके प्रारंभिक बातचीत झिझक भरे भ्रष्टाचार से भरे उठी थी। राय तारा की उग्र भावना और उसकी आंखों में चमकती आंसुओं से मोहित होकर उसने लिए एक चरणा लिखने के लिए खुद को तैयार किया। वो तबले के लिए बुद्ध तान तारा के तुरंत दमदूरी तूफान भावनाओं के प्रतिबिंबित करती हुई प्रभावित हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखों बंद किए संगीत में खींच हो गई, उसका शरीर एक बार झिझक रहे उठे। हरकत करने वाला अस्थाई बोलबाला एक सुंदर समुद्री डाकू उसके भीतर की नर्तकी उजग उठा। दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी दोपहर गंग किनारे चौराहे गए क्षणों में बीत गई। राय ने अपनी सौम्य प्रभावित में तारा के भीतर नित्यों की चिंगारी फिर से जग उठी। उन्होंने उसकी सुरक्षाओं की एक ताकत खोई, एक लीचेपन जो गंगा एकदम भावना के प्रतिबिंबित करता था। तारा ने बदले में संगीत की तीव्र प्रति एक जुनून का पता चलाया जिसे वो उसी जानती थी। राय की खूने उनकी प्रतिबिंबित का विस्तार बन गई, उनकी आत्माओं के बीच बातचीत। एक बारिश में भीगी शाम ट्रिस्ट लैब की मंद चमक ने राय ने अपनी बढ़ती भावनाओं को कबूल किया। तारा पहले तो झिझक वही थी क्योंकि उसका अतीत एक निरंतर साझा था, अंत में उससे अपनी तर्सकता छोड़ दी। बारिश की लय उनकी अपनी निजी सेरेनोट बन गई जो शहर की आर्जकता के बीच मनप रही एक प्रेम कहानी का प्रमाण है। हालांकि उनका नया प्यार चुनौतियों से रहित नहीं था, सामाजिक उपेक्षा विशेष रूप से राय के परिवारवादी परिवार के एक संगीतकार और एक नर्तक के बीच के रिश्ते को नापसंद करती थी। दोनों अपने चरम पर थे, तारा का आत्म संदेह उनकी चोट के कारण भड़का, उसके जुनून की लो की बुझाने की धमकी दी है। हमेशा आशावादी रहने वाली रायक ने एक विशेष प्रस्तुति की रचना करने वाले निर्णय लिया। उन्होंने तारा को न केवल अपने शरीर के साथ बल्कि अपने आत्मा के साथ नृत्य करते हुए देखा। उन्होंने स्थानीय संगीतकार के साथ मिलकर धनी की एक ऐसी ट्रेपेस्ट्री बुनी जिसमें हरा का सार शामिल था। स्ट्रीम का लयबद्ध गड़गड़ाहट उसका कृतज्ञता की भावपूर्ण खींचा
गंगा की कोमल कमल कलकल ध्वनि प्रदर्शन की रात आ गई, हवा प्रकाश में भर गई, कनकीले लाल रंग की साड़ी में सजी तारा मंच की खींचे पड़ी थी, उसकी आंखों में डर की झलकती राय में उसका हाथ हवाया, उसका मौन समर्थन ताकत और स्रोत बन गया। जैसे ही संगीत के पहले स्वर गूंजे, तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जाने दिया। उसकी गतिविधियों अग्रहों को तकरी सिक्रिया की जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण था, उन्होंने सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए राय के लिए उसके प्यार अनित्यों का जिसमें उसके भीतर आग की फिर से आगाजिया था। उनके बाद उनके लिए घरघराहट गूंज उठी। तारा की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं विजय के आंसू। उसने ना केवल अपनी डर पर विजय पा ली बल्कि नित्यों के आनंद के से खोज लिया था। राय की आंखों में उसने सिर्फ प्यार नहीं बल्कि प्रशंसा और सम्मान देखा, अपने उसकी कमजोरी की देखा जो उसके ताकत को पोषण किया था। उनके एक साथ यात्रा कोई प्रक्रिया नहीं थी, आत्मसंदेह सामाजिक दबाव और तारा की सीमाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई के दिन थे। फिर भी उनकी प्रेम कहानी गंगा की तरह हर तूफान का सामना करना था। राय ने रचना करना जारी रखा, उसने संगीत से तारा और अटूट भावना से प्रतीत एक नया उत्साह था। हालांकि तारा भव्य मंचों पर प्रदर्शन करने में असमर्थ थी, लेकिन उसे नृत्यों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवा लड़कियों के सिखाने में सांत्वना मिली। वर्षों बाद गंगा के सामने एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे राय ने तारा की उत्साही लड़कियों के एक समूह को बढ़ाते देखा। उसके हृदय के लहरा की एक कमजोर थी, फिर भी उसने वही उपहोक्रिय जुनून था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई क्योंकि वो एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं थी। अंजलि को एहसास होता है कि वो संजय से प्यार करती है। वो शादी से भाग जाती है और उसे ढूंढने के लिए मुंबई जाती है। संजय उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की जाहिर कर दिया जाता है। फिल्म संजय अंजलि की शादी के साथ सप्ताह होती है। समीत जो एक अच्छा खिलाड़ी है उनके रिश्ते को स्वीकार करता है और यहां तक कि उनकी शादी में भाग ले तो भी करता है। ये मेरा शादी है मेरा मन महत्वपूर्ण कथानक के साथ एक हल्की फुल्की और मनोरंजन फिल्म है। कथानी फिल्म की अच्छी बनी है और इसमें कुछ आकर्षक भान भी है। कलाकारों अभिनय की सराहनीय, खासकर उदय चोपड़ा और तुलिप जोशी मिलाकर ये मेरा यार की शादी एक मजेदार फिल्म है जो रोमांटिक कॉमेडी के प्रशंसकों को निश्चित रूप से खुश करेंगे। फिल्म दोस्तों के एक समूह पर केंद्रित है जो उनकी दिग्गजी का गलत टाइमिंग के एक क्लासिक मामले के उलझा जाता है। उदय चोपड़ा ने संजय मल्होत्रा की भूमिका निभाई जो एक लापरवाह युवक है जो अपनी रूममेट रिया के साथ मुंबई में अपने कुंवारी जीवन के संतुष्ट जिसका किरदार बिपाशा बासु ने निभाया है। इनका आसान चिंचर्या तब बाधित हो जाता है जब संजय को जीवन बदलाने की लाय भवन कॉल आता है। ये उनकी बचपन की दोस्त अंजलि शर्मा है जिसका किरदार भावनात्मक टुलू जोशी ने निभाया है और उनकी शादी होने वाली ये खबर संजय के परेशानी में डाल देता है। उसे अंजलि के लिए अपनी भागवाड़ी भावनाओं का एहसास होता है लेकिन वर्षों के दोस्ती से उसे कबूल करने की रोक दिया जाता है। इस बीच अंजलि जिमी शर्गिल द्वारा अभिनीत रोहित खन्ना ने शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्रतीत होता है कि रोहित वो सब कुछ कर रहा है जो लड़कियों चाहते हैं। आकर्षक बपल हो जाते अंजलि के लिए एकदम सही। हालांकि अंजलि की अगमत योजना के बाधा उत्पन्न होती है। जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही है संजय अपनी भावनाओं के जुदा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जटिल चिंता से कैसे निपट जाए। जब संजय अंजलि का दिल जीतने की यात्रा पर निकलते हैं उसे पहले की बहुत देर हो जाए। यारिया उसकी हमेशा सहयोग करने वाली विश्वपात्र रहस्य उद्घाटन राहत और सहारा देने लिए एक कंधा प्रदान करते हैं। मेरे प्यार की शादी है यश राज फिल्म्स के तहत के लिए लाभदायक खास साबित हुई जिसमें दुनिया भर में 30 करोड़ की अधिक की कमाई की। इस सफलता का श्रेय मनोरंजन तो के उत्तम मिश्रण के दिया जा सकते हैं। अनु मालिक द्वारा रचित शिल्मा के संगीत शीर्षक के ट्रैक और दिल डोलर जैसे आकर्षक धुनों के साथ चार्टबस्टर बन गया है। स्थापित और उतरे हुए अभिनेता के मिशन वाले कलाकारों के दमदार प्रदर्शन किया। उदय चोपड़ा विशाखासु जिमी शर्गिल और नवंतुक ब्लूप्रिंट जोशों की अपने किरदारों के जीवंत कर दिया है जिसमें कहानी दर्शकों के लिए प्रासंगिक बन गया है। फिल्म का घरेलू प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली या भारत में धदोम अकटी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रूप से स्थान पर उभरी है जिसमें 24 करोड़ के अधिक की कमाई की। यह सफलता युवाओं के प्रति उसकी मजबूत अपील ने उसकी ऊपरी प्यार दोस्ती थोड़ी उलझान के बारे में हल्की फुल्की कहानी युवा दर्शकों को पसंद आई है। फिल्म का संगीत ने इसकी पहुंच की और बढ़ापा दिया युवा दर्शकों को सिनेमाघरों का तक खींचा। मेरे प्यार की शादी है को विदेश में भी सफलता मिली। इसमें वैश्विक स्तर पर 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। यूनाइटेड किंगडम्स के विशाल भारत प्रवासी ने इस उपलब्धि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
फिल्म की प्रासंगिक कहानी और प्यार को दोस्ती के परिचित विषय के साथ साथ आकर्षक संगीत के विदेशी भारत दर्शकों को प्रभावित किया। विशेष रूप में फिल्म ने अकेले यूके में 263,000 अधिक की कमाई की। फूल मिलाकर मेरे प्यार की शादी में बॉक्स ऑफिस सफलता ने उभरते सितारों के रूप में उतनी प्रमुख अभिनेताओं की स्थिति को मजबूत किया और दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक मनोरंजक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में अपनी जगह पक्की की। गंगा शांति की एक बिगर गवरा के प्रतीन शहर के होकर बहती है। उसकी कोमल धनी और राय खन्ना के जीवन में एक निरंतर संगीत है। एक प्रसिद्ध लावला बादक राव की उंगलियों टकरी आँखों के लेकर परिनित्व करती थी। लयबुद्ध ताल और माध्यम से प्रेम और लालसा की कहानियों बुनती थी। फिर भी उसका अपना हृदय एक अनबजय हुआ रंगा बना रहा था। खोए हुए अतीत के प्रेम के कारण तार मोन रह गए थे। 10 साल पहले उसकी प्रियतमा अंजलि ने अपनी अभरती हुई और कहानी बजाई की दुनिया भर में प्रसिद्ध पाने की जीवन बना चुका है। एक ताकती दोपहरों में जैसे हवारा ब्रिज के हलचल भरे झूल रहा था, राय की दुनिया के अस्त व्यस्त किरानों के सामान की टक्कर और घबरा हुई माफी से अस्त व्यस्त हो गई है। उन्होंने खुद को तारा खन्ना के आमने सामने पाया। एक ऐसी महिला जिसमें उग्र आत्मा उसके साथे पर लगी गई लाल रंग की बिंदी को प्रतिबिंबित करती थी। एक असंभवित मुलाकात जो शायद ही नियति दूसरे कृत्यों की योजना बना रही है। तारा एक प्रसिद्ध एडीसी मृत्योज्ञान की एक दशक के बारे में अपनी बचपन के शहर की परिचित के सांत्वना की तलाश में हावड़ा लौट आई थी। उनका करियर जो एक समय ऊंची उड़ान भर रहा था, घंटे घुटने की गंभीर चोट के कारण एक रुका गया। वो शहर जो कभी उसके जीवन सपनों का कैनवास था, अब उनके नुकसान के खेखलेपन को गूंज रहा उठा था। उनके प्रारंभिक बातचीत झिझक भरे भ्रष्टाचार से भरे उठी थी। राय तारा की उग्र भावना और उसकी आंखों में चमकती आंसुओं से मोहित होकर उसने लिए एक चरणा लिखने के लिए खुद को तैयार किया। वो तबले के लिए बुद्ध तान तारा के तुरंत दमदूरी तूफानों भावनाओं के प्रतिबिंबित करते हुए प्रभावित हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखों बंद किए संगीत में खींच हो गई। उसका शरीर एक बार झिझक रहे उठे हरकत करने वाला अस्थाई बोलबाला एक सुंदर समुद्री डाकू उसके भीतर की नर्तकी उजग उठा। दिन हफ्तों में बदल गए। उनकी दोपहर गंग किनारे चौराहे गए क्षणों में बीत गई। राय ने अपनी सौम्य प्रतिहित में तारा के भीतर नित्यों की चिंगारी फिर से जग उठी। उन्होंने उसकी सुरक्षाओं की एक ताकत खोई, एक लीचेपन जो गंगा एकदम भावना के प्रतिबिंबित करता था। तारा ने बदले में संगीत की तीव्र प्रति एक जुनून का पता चलाया जिसे वो उसी जानती थी। राय की खूने उनकी प्रतिबिंबित का विस्तार बन गई। उनकी आत्माओं के बीच बातचीत एक बारिश में भीगी शाम ट्रिस्ट लैब की मंद चमक ने राय ने अपनी बढ़ती भावनाओं को कबूल किया। तारा पहले तो झिझक वही थी क्योंकि उसका अतीत एक निरंतर साझा था। अंत में उससे अपनी तर्सकता छोड़ दी। बारिश की लय उनकी अपनी निजी सेरेनोट बन गई जो शहर की आर्जकता के बीच मनप रही एक प्रेम कहानी का प्रमाण है। हालांकि उनका नया प्यार चुनौतियों से रहित नहीं था। सामाजिक उपेक्षा विशेष रूप से राय के बुनियादी परिवार के एक संगीतकार और एक नर्तक के बीच के रिश्ते को नापसंद करती थी। दोनों अपने चरम पर थे। तारा का आत्म संदेह उनकी चोट के कारण भड़का, उसके जुनून की लो की बुझाने की धमकी दी है। हमेशा आशावादी रहने वाली राय ने एक विशेष प्रस्तुति की रचना करने वाले निर्णय लिया। उन्होंने तारा को न केवल अपने शरीर के साथ बल्कि अपने आत्मा के साथ नृत्य करते हुए देखा। उन्होंने स्थानीय संगीतकार के साथ मिलकर धनी की एक ऐसी ट्रेपेस्ट्री बुनी जिसमें हरा का सार शामिल था। स्ट्रीम का लयबद्ध गड़गड़ाहट उसका किकराताओं की भावपूर्ण खींचा गंगा की कोमल कमल कलकल ध्वनि प्रदर्शन की रात आ गई। हवा प्रकाश में भर गई। कमकीले लाल रंग की साड़ी में सजी तारा मंच की खींचे पड़ी थी। उसकी आंखों में डर की झलकती राय में उसका हाथ हवराया। उसका मौन समर्थन ताकत और स्रोत बन गया। जैसे ही संगीत के पहले स्वर गूंजे तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जाने दिया। उसकी गतिविधियों अंग्रहों को तकरी सिक्रिया की जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। उन्होंने सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए राय के लिए उसके प्यार अनित्व का जिसमें उसके भीतर आग की फिर से आगाजिया था। उनके बाद उनके लिए घरघराहट गूंज उठी। तारा की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं विजय के आंसू। उसने ना केवल अपने डर पर विजय पा लिया बल्कि नित्यों के आनंद के से खोज लिया था। राय की आंखों में उसने सिर्फ प्यार नहीं बल्कि प्रशंसा और सम्मान देखा। अपने उसकी कमजोरी की देखा जो उसके ताकत को पोषण किया था। उनके एक साथ यात्रा कोई परिक्रिया नहीं थी। आत्मसंदेह सामाजिक दबाव और तारा की सीमाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई के दिन थे। फिर भी उनकी प्रेम कहानी गंगा की तरह हर तूफान का सामना करना था। राय ने रचना करना जारी रखा। उसने संगीत से तारा और अटूट भावना से प्रतीत एक नया उत्साह था। हालांकि
तारा भाव्य मंचों पर प्रदर्शन करने में असमर्थ थी, लेकिन उसे नृत्यों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवा लड़कियों के सिखाने में सांत्वना मिली। वर्षों बाद गंगा के सामने एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे राय ने तारा की उत्साही लड़कियों के एक समूह को बढ़ाते देखा। उसके हृदय के लड़की एक कमजोर थी, फिर भी उसने वही उपभोग किया जुनून था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई क्योंकि वो एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं थी। अंजलि को एहसास होता है कि वो संजय से प्यार करती है। वो शादी से भाग जाती है और उसे ढूंढने के लिए मुंबई जाती है। संजय उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की इजहार कर दिया जाता है। फिल्म संजय अंजलि की शादी के साथ सप्ताह होती है। समीत जो एक अच्छा खिलाड़ी है उनके रिश्ते को स्वीकार करता है और यहाँ तक कि उनकी शादी में भाग लेने तो भी करता है। ये मेरा शादी है मेरा मन महत्वपूर्ण कथानक के साथ एक हल्की फुल्की और मनोरंजन फिल्म है। कथानी फिल्म की अच्छी बनी है और इसमें कुछ आकर्षक भान भी है। कलाकारों अभिनय की सराहनीय है, खासकर उदय चोपड़ा और तुलिप जोशी मिलाकर ये मेरा यार की शादी एक मजेदार फिल्म है जो रोमांटिक कॉमेडी के प्रशंसकों को निश्चित रूप से खुश करेंगी। फिल्म दोस्तों के एक समूह पर केंद्रित है जो उनकी दिग्गज गलत टाइमिंग के एक क्लासिक मामले के उलझा जाता है। उदय चोपड़ा ने संजय मल्होत्रा की भूमिका निभाई जो एक लापरवाह युवक है जो अपनी रूममेट रिया के साथ मुंबई में अपने कुमारी जीवन के संतुष्ट जिसका किरदार बिपाशा बासु ने निभाया है। इनका आसान चिंचर्या तब बाधित हो जाता है जब संजय को जीवन बदलाने की लाय भवन कॉल आता है। ये उनकी बचपन की दोस्त अंजलि शर्मा है जिसका किरदार भावनात्मक टुलू जोशी ने निभाया है और उनकी शादी होने वाली ये खबर संजय के परेशानी में डाल देता है। उसे अंजलि के लिए अपनी भगवाड़ी भावनाओं का एहसास होता है लेकिन वर्षों के दोस्ती से उसे कबूल करने की रोक दिया जाता है। इस बीच अंजलि जिमी शर्गिल द्वारा अभिनीत रोहित खन्ना ने शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्रतीत होता है कि रोहित वो सब कुछ कर रहा है जो लड़कियों चाहते हैं। आकर्षक पल हो जाते अंजलि के लिए एकदम सही। हालांकि अंजलि की अगमत योजना के बाधा उत्पन्न होती है। जैसे जैसे शादी नजदीक रही है संजय अपनी भावनाओं के जुदा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जटिल चिंता से कैसे निपट जाए। जब संजय अंजलि का दिल जीतने की यात्रा पर निकलते हैं उसे पहले की बहुत देर हो जाए। यारिया उसकी हमेशा सहयोग करने वाली विश्वपात्र रहस्य उद्घाटन राहत और सहारा देने लिए एक कंधा प्रदान करते हैं। मेरे प्यार की शादी है यश राज फिल्म्स के तहत के लिए लाभदायक खास साबित हुई जिसमें दुनिया भर में 30 करोड़ की अधिक की कमाई की। इस सफलता का श्रेय मनोरंजन तो के उत्तम मिश्रण के दिया जा सकते हैं। अनु मालिक द्वारा रचित सिनेमा के संगीत शीर्षक के ट्रैक और दिल डोलर जैसे आकर्षक धुनों के साथ चार्टबस्टर बन गया है। स्थापित और उतरे हुए अभिनेता के मिशन वाले कलाकारों के दमदार प्रदर्शन किया। उदय चोपड़ा विशाखासु जिमी शर्गिल और मंतुक ब्लूप्रिंट जोशो की अपने किरदारों के जीवंत कर दिया है जिसमें कहानी दर्शकों के लिए प्रासंगिक बन गया है। फिल्म का घरेलू प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली या भारत में धदोम अकटी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रूप से स्थान पर उभरी है जिसमें 24 करोड़ के अधिक की कमाई की। यह सफलता युवाओं के प्रति उसकी मजबूत अपील ने उसकी ऊपरी प्यार दोस्ती तोड़ी उलझान के बारे में हल्की फुल्की कहानी युवा दर्शकों को पसंद आई है। फिल्म का संगीत ने इसकी पहुंच की और बढ़ापा दिया युवा दर्शकों को सिनेमाघरों का तक खींचा। मेरे प्यार की शादी है को विदेश में भी सफलता मिली इसमें वैश्विक स्तर पर 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। यूनाइटेड किंगडम्स के विशाल भारत प्रवासी ने इस उपलब्धि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की प्रासंगिक कहानी और प्यार को दोस्ती के परिचित विषय के साथ साथ आकर्षक संगीत के विदेशी भारत दर्शकों को प्रभावित किया। विशेष रूप में फिल्म ने अकेले यूके में 263,000 अधिक की कमाई की। फुल मिलाकर मेरे प्यार की शादी में बॉक्स ऑफिस सफलता ने उभरते सितारों के रूप में उतनी प्रमुख अभिनेताओं की स्थिति को मजबूत किया और दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक मनोरंजक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में अपनी जगह पक्की की। गंगा शांति की एक बिगर गवरा के प्रतीन शहर के होकर बहती है। उसकी कोमल धनी और राय खन्ना के जीवन में एक निरंतर संगीत है। एक प्रसिद्ध लावला मादक राव की उंगलियों टकरी आँखों के लेकर पर नृत्य करती थी। लयबुद्ध ताल और माध्यम से प्रेम और लालसा की कहानियों बुनती थी। फिर भी उसका अपना हृदय एक अनबजय हुआ रंगा बना रहा था। खोए हुए अतीत के प्रेम के कारण तार मोड़ रह गए थे। 10 साल पहले उसकी प्रियतमा अंजलि ने अपनी अभरती हुई और कहानी बजाई की दुनिया भर में प्रसिद्ध पाने की जीवन बना चुका है। एक ताकती दोपहरों में जैसे हवारा ब्रिज के हलचल भरे झूल रहा था राय की दुनिया के अस्त व्यस्त किरानों के सामान की टक्कर और घबराई हुई माफी से अस्त व्यस्त हो गई है। उन्होंने खुद को तारा खन्ना के आमने सामने पाया। एक ऐसी महिला जिसमें उग्र आत्मा उसके साथे पर लगी गई लाल रंग की बिंदी को प्रतिबिंबित करती थी। एक असंभवित मुलाकात जो शायद ही नियति दूसरे कृत्यों की योजना बना रही है। तारा एक अप्रसिद्ध एडीसी नृत्यज्ञान की एक दशक के बारे में अपने बचपन के शहर की परिचित मात्र
सफलता के सांत्वना की तलाश में हावड़ा लौट आई थी। उनका करियर जो एक समय ऊंची उड़ान भर रहा था, घंटे घुटने की गंभीर चोट के कारण एक रुका गया। वो शहर जो कभी उसके जीवन सपनों का कैनवास था, अब उनके नुकसान के खेखलेपन को गूंज रहा उठा था। उनके प्रारंभिक बातचीत झिझक भरे भ्रष्टाचार से भरे उठी थी। राय तारा की उग्र भावना और उसकी आंखों में चमकती आंसुओं से मोहित होकर उसने लिए एक चरणा लिखने के लिए खुद को तैयार किया। वह तबले के लिए बुद्ध तान तारा के तुरंत दमदूरी तूफान भावनाओं के प्रतिबिंबित करते हुए प्रभावित हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखों बंद की संगीत में खींच हो गई, उसका शरीर एक बार झिझक रहे उठे। हरकत करने वाला अस्थाई बोलबाला एक सुंदर समुद्री डाकू उसके भीतर की नर्तकी उजग उठा। दिन हफ्तों में बदल गए। उनकी दोपहर गंग किनारे चौराहे गए क्षणों में बीत गई। राय ने अपनी सौम्य प्रतिहित में तारा के भीतर नित्यों की चिंगारी फिर से जग उठी। उन्होंने उसकी सुरक्षाओं की एक ताकत खोई, एक लीचेपन जो गंगा एकदम भावना के प्रतिबिंबित करता था। तारा ने बदले में संगीत की तीव्र प्रति एक जुनून का पता चलाया जिसे वो उसी जानती थी। राय की खूने उनकी प्रतिबिंबित का विस्तार बन गई। उनकी आत्माओं के बीच बातचीत एक बारिश में भीगी शाम ट्रिस्ट लैब की मंद चमक ने राय ने अपनी बढ़ती भावनाओं को कबूल किया। तारा पहले तो झिझक वही थी क्योंकि उसका अतीत एक निरंतर साझा था। अंत में उससे अपनी तर्सकता छोड़ दी। बारिश की लय उनकी अपनी निजी सेरेनोट बन गई जो शहर की आरजकता के बीच मनप रही एक प्रेम कहानी का प्रमाण है। हालांकि उनका नया प्यार चुनौतियों से रहित नहीं था। सामाजिक उपेक्षा, विशेष रूप से राय के बुर्जुआ परिवार के एक संगीतकार और एक नर्तक के बीच के रिश्ते को नापसंद करती थी। दोनों अपने चरम पर थे। तारा का आत्मसंदेह उनकी चोट के कारण भड़का, उसके जुनून की लो की बुझाने की धमकी दी है। हमेशा आशावादी रहने वाली राय ने एक विशेष प्रस्तुति की रचना करने वाले निर्णय लिया। उन्होंने तारा को न केवल अपने शरीर के साथ बल्कि अपने आत्मा के साथ नृत्य करते हुए देखा। उन्होंने स्थानीय संगीतकार के साथ मिलकर धनी की एक ऐसी ट्रेपेस्ट्री बुनी जिसमें हरा का सार शामिल था। स्ट्रीम का लयबद्ध गड़गड़ाहट उसका किकराता की भावपूर्ण खींचा। गंगा की कोमल कमल कलकल ध्वनि प्रदर्शन की रात आ गई। हवा प्रकाश में भर गई। कनकीले लाल रंग की साड़ी में सजी तारा मंच की खींचे पड़ी थी। उसकी आंखों में डर की झलकती राय में उसका हाथ हवराया। उसका मौन समर्थन ताकत और स्रोत बन गया। जैसे ही संगीत के पहले स्वर गूंजे तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जाने दिया। उसकी गतिविधियों अंग्रहों को तकरी सिक्वा की जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। उन्होंने सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए राय के लिए उसके प्यार अनित्व का जिसमें उसके भीतर आग की फिर से आगाजिया था। उनके बाद उनके लिए गड़गड़ाहट गूंज उठी। तारा की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं विजय के आंसू। उसने ना केवल अपने डर पर विजय पा लिया बल्कि नित्यों के आनंद के से खोज लिया था। राय की आंखों में उसने सिर्फ प्यार नहीं बल्कि प्रशंसा और सम्मान देखा। अपने उसकी कमजोरी की देखा जो उसके ताकत को पोषण किया था। उनके एक साथ यात्रा कोई परिक्रिया नहीं थी। आत्मसंदेह, सामाजिक दबाव और तारा की सीमाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई के दिन थे। फिर भी उनकी प्रेम कहानी गंगा की तरह हर तूफान का सामना करना था। राय ने रचना करना जारी रखा। उसने संगीत से तारा और अटूट भावना से प्रतीत एक नया उत्साह था। हालांकि तारा भव्य मंचों पर प्रदर्शन करने में असमर्थ थी, लेकिन उसे नृत्यों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवा लड़कियों के सिखाने में सांत्वना मिली। वर्षों बाद गंगा के सामने एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे राय ने तारा की उत्साही लड़कियों के एक समूह को बढ़ाते देखा। उसके हृदय के लहरा की एक कमजोर थी, फिर भी उसने वही उपभोक्तृ जुनून था। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई क्योंकि वो एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं थी। अंजलि को एहसास होता है कि वो संजय से प्यार करती है। वो शादी से भाग जाती है और उसे ढूंढने के लिए मुंबई जाती है। संजय उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की जाहिर कर दिया जाता है। फिल्म संजय अंजलि की शादी के साथ सप्ताह होती है। समित जो एक अच्छा खिलाड़ी है उनके रिश्ते को स्वीकार करता है और यहाँ तक कि उनकी शादी में भाग ले तो भी करता है। ये मेरा शादी है मेरा मन महत्वपूर्ण कथानक के साथ एक हल्की फुल्की और मनोरंजन फिल्म है। कथानी फिल्म की अच्छी बनी है और इसमें कुछ आकर्षक भान भी है। कलाकारों अभिनय की सराहना, खासकर उदय चोपड़ा और तुलिप जोशी मिलाकर ये मेरा यार की शादी एक मजेदार फिल्म है जो रोमांटिक कॉमेडी के प्रशंसकों को निश्चित रूप से खुश करेंगी। फिल्म दोस्तों के एक समूह पर केंद्रित है जो उनकी दिग्गज का गलत टाइमिंग के एक क्लासिक मामले के उलझा जाता है। उदय चोपड़ा ने संजय मल्होत्रा की भूमिका निभाई जो एक लापरवाह युवक है जो अपनी रूममेट रिया के साथ मुंबई में अपने कुमारी जीवन के संतुष्ट जिसका किरदार बिपाशा बासु ने निभाया है। इनका आसान चिंचर्या तब बाधित हो जाता है जब संजय को जीवन बदलाने की लाइव कॉल आता है। ये उनकी बचपन
की दोस्त अंजलि शर्मा है, जिसका किरदार भावनात्मक टुलिप जोशी ने निभाया है और उनकी शादी होने वाली ये खबर संजय के परेशानी में डाल देता है। उसे अंजलि के लिए अपनी भागवाड़ी भावनाओं का एहसास होता है, लेकिन वर्षों की दोस्ती से उसे कबूल करने की रोक दिया जाता है। इस बीच अंजलि जिमी शर्गिल द्वारा अभिनीत रोहित खन्ना ने शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्रतीत होता है कि रोहित वो सब कुछ कर रहे हैं जो लड़कियों चाहते हैं। आकर्षक बहपल हो जाते अंजलि के लिए एकदम सही। हालांकि अंजलि की अगमत योजना के बाधा उत्पन्न होती है। जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही है, संजय अपनी भावनाओं के जुदा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जटिल चिंती से कैसे निपट जाए। जब संजय अंजलि का दिल जीतने की यात्रा पर निकलते हैं, उसे पहले की बहुत देर हो जाए या रिया उसकी हमेशा सहयोग करने वाली विश्वापात्र रहस्य उद्घाटन राहत और सहारा देने लिए एक कंधा प्रदान करते हैं। मेरे प्यार की शादी है यश राज फिल्म्स के तहत के लिए लाभदायक खास साबित हुई, जिसमें दुनिया भर में 30 करोड़ की अधिक की कमाई की। इस सफलता का श्रेय मनोरंजन तो के उत्तम मिश्रण के दिया जा सकते हैं। अनु मालिक द्वारा रचित सिनेमा के संगीत शीर्षक के ट्रैक और दिल डोलर जैसे आकर्षक धुनों के साथ चार्टबस्टर बन गया है। स्थापित और उतरे हुए अभिनेताओं के मिशन वाले कलाकारों के दमदार प्रदर्शन किया। उदय चोपड़ा, विशाखासु, जिमी शर्गिल और नवंतुक रूपेंट जोशो की अपने किरदारों के जीवंत कर दिया है, जिसमें कहानी दर्शकों के लिए प्रासंगिक बन गया है। फिल्म का घरेलू प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली या भारत में से अधिक कमाई करने वाली फिल्म रूप से स्थान पर उभरी है, जिसमें 24 करोड़ के अधिक की कमाई की। ये सफलता युवाओं के प्रति उसकी मजबूत अपील ने उसकी ऊपरी प्यार दोस्ती थोड़ी उलझान के बारे में हल्की फुल्की कहानी युवा दर्शकों को पसंद आई है। फिल्म का आकर्षक संगीत ने इसकी पहुंच की और बढ़ापा दिया, युवा दर्शकों को सिनेमाघरों का तक खींचा। मेरे प्यार की शादी है को विदेश में भी सफलता मिली, इसमें वैश्विक स्तर पर 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। यूनाइटेड किंगडम के विशाल भारत प्रवासी ने इस उपलब्धि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की प्रासंगिक कहानी और प्यार को दोस्ती के परिचित विषय के साथ साथ आकर्षक संगीत के विदेशी भारत दर्शकों को प्रभावित किया। विशेष रूप में फिल्म ने अकेले यूके में 263,000 अधिक की कमाई की। फुल मिलाकर मेरे प्यार की शादी में बॉक्स ऑफिस सफलता ने उभरते सितारों के रूप में उतनी प्रमुख अभिनेताओं की स्थिति को मजबूत किया और दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक मनोरंजक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में अपनी जगह पक्की की। गंगा शांति की एक बिगर गवरा के प्रतीन शहर के होकर बहती है। उसकी कोमल धनी और राय खन्ना के जीवन में एक निरंतर संगीत है। एक प्रसिद्ध लावला मादक राव की उंगलियों टकरी आँखों के लेकर परिनित्व करती थी। लयबुद्ध ताल और माध्यम से प्रेम और लालसा की कहानियों बुनती थी। फिर भी उसका अपना हृदय एक अनबजय हुआ रंगा बना रहा था। खोए हुए अतीत के प्रेम के कारण तार मोड़ रह गए थे। 10 साल पहले उसकी प्रीमियतमा अंजलि ने अपनी अभरती हुई और कहानी बजाई की दुनिया भर में प्रसिद्ध पाने की जीवन बना चुका है। एक ताकती दोपहरों में जैसे हवारा ब्रिज के हलचल भरे दुल रहा था, राय की दुनिया के अस्त बस्त किरानों के सामान की टक्कर और घबरा हुई माफी से अस्त बस्त हो गई है। उन्होंने खुद को तारा खन्ना के आमने सामने पाया, एक ऐसी महिला जिसमें उग्र आत्मा उसके साथे पर लगी गई लाल रंग की बिंदी को प्रतिबिंबित करती थी। एक असंभवित मुलाकात जो शायद ही नियति दूसरे कृत्यों की योजना बना रही है। तारा एक प्रसिद्ध एडीसी मनोविज्ञान की एक दशक के बारे में अपनी बचपन के शहर की परिचित के सांत्वना की तलाश में हावड़ा लौट आई थी। उनका करियर जो एक समय ऊंची उड़ान भर रहा था, घंटे घुटने की गंभीर चोट के कारण एक रुका गया। वो शहर जो कभी उसके जीवन सपनों का कैनवास था, अब उनके नुकसान के खेखलेपन को गूंज रहा उठा था। उनके प्रारंभिक बातचीत झिझक भरे भ्रष्टाचार से भरे उठी थी। राय तारा की उग्र भावना और उसकी आंखों में चमकती आंसुओं से मोहित होकर उसने लिए एक चरणा लिखने के लिए खुद को तैयार किया। वो तबले के लिए बुद्ध तान तारा के तुरंत दमदूरी तूफान भावनाओं के प्रतिबिंबित करती हुई प्रभावित हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखों बंद की संगीत में ठीक हो गई, उसका शरीर एक बार झिझक रहे उठे। हरकत करने वाला अस्थाई बोलबाला एक सुंदर समुद्री डाकू उसके भीतर की नर्तकी उजग उठा। दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी दोपहर गंग किनारे चौराहे गए क्षणों में बीत गई। राय ने अपनी सौम्य बुद्धाहित में तारा के भीतर नृत्यों की चिंगारी फिर से जग उठी। उन्होंने उसकी सुरक्षाओं की एक ताकत खोई, एक लीचेपन जो गंगा एकदम भावना के प्रतिबिंबित करता था। तारा ने बदले में संगीत की तीव्र प्रति एक जुनून का पता चलाया जिसे वो उसी जानती थी। राय की खूने उनकी प्रतिबिंबित का विस्तार बन गई। उनकी आत्माओं के बीच बातचीत एक बारिश में भीगी शाम ट्रिस्ट लैब की मंद चमक ने राय ने अपनी बढ़ती भावनाओं को कबूल किया। तारा पहले
तो झिझक वही थी क्योंकि उसका अतीत एक निरंतर साझा था। अंत में उससे अपनी तर्कसंगतता छोड़ दी। बारिश की लय उनकी अपनी निजी सेरेनोट बन गई जो शहर की अराजकता के बीच मनप रही एक प्रेम कहानी का प्रमाण है। हालांकि उनका नया प्यार चुनौतियों से रहित नहीं था। सामाजिक उपेक्षा, विशेष रूप से राय के परिवारवादी परिवार के एक संगीतकार और एक नर्तक के बीच के रिश्ते को नापसंद करती थी। दोनों अपने चरम पर थे। तारा का आत्म संदेह उनकी चोट के कारण भड़का, उसके जुनून की लो की बुझाने की धमकी दी है। हमेशा आशावादी रहने वाली रायक ने एक विशेष प्रस्तुति की रचना करने वाले निर्णय लिया। उन्होंने तारा को न केवल अपने शरीर के साथ बल्कि अपने आत्मा के साथ नृत्य करते हुए देखा। उन्होंने स्थानीय संगीतकार के साथ मिलकर धनी की एक ऐसी टेपेस्ट्री बुनी जिसमें हरा का सार शामिल था। स्ट्रीम का लयबद्ध गड़गड़ाहट उसका कृतज्ञता की भावपूर्ण खींचा। गंगा की कोमल कमल कलकल ध्वनि प्रदर्शन की रात आ गई। हवा प्रकाश में भर गई। कमकीले लाल रंग की साड़ी में सजी तारा मंच की खींचे पड़ी थी। उसकी आंखों में डर की झलकती राय में उसका हाथ हवराया। उसका मौन समर्थन ताकत और स्रोत बन गया। जैसे ही संगीत के पहले स्वर गूंजे तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जाने दिया। उसकी गतिविधियों अंग्रहों को तकली स्वीकृति की जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। उन्होंने सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए राय के लिए उसके प्यार अनित्व का जिसमें उसके भीतर आग की फिर से आगाज किया था। उनके बाद उनके लिए गड़गड़ाहट गूंज उठी। तारा की आंखों में आंसू आ गए। दुख के नहीं, विजय के आंसू। उसने ना केवल अपने डर पर विजय पा ली बल्कि नित्य के आनंद के से खोज लिया था। राय की आंखों में उसने सिर्फ प्यार नहीं बल्कि प्रशंसा और सम्मान देखा। अपने उसकी कमजोरी की देखा जो उसके ताकत को पोषण किया था। उनके एक साथ यात्रा कोई परिक्रिया नहीं थी। आत्मसंदेह, सामाजिक दबाव और तारा की सीमाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई के दिन थे। फिर भी उनकी प्रेम कहानी गंगा की तरह हर तूफान का सामना करना था। राय ने रचना करना जारी रखा। उसने संगीत से तारा और अटूट भावना से प्रतीत एक नया उत्साह था। हालांकि तारा भव्य मंचों पर प्रदर्शन करने में असमर्थ थी लेकिन उसे नृत्यों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवा लड़कियों के सिखाने में सांत्वना मिली। वर्षों बाद गंगा के सामने एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे राय ने तारा की उत्साही लड़कियों के एक समूह को बढ़ाते देखा। उसके हृदय के लड़ा की एक कमजोर थी फिर भी उसने वही उपभोक्तृ जुनून था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई क्योंकि वो एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं थी। अंजलि को एहसास होता है कि वो संजय से प्यार करती है। वो शादी से भाग जाती है और उसे ढूंढने के लिए मुंबई जाती है। संजय उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की जाहिर कर दिया जाता है। फिल्म संजय अंजलि की शादी के साथ सप्ताह होती है। समित जो एक अच्छा खिलाड़ी है उनके रिश्ते को स्वीकार करता है और यहाँ तक कि उनकी शादी में भाग लेने तो भी करता है। ये मेरा शादी है मेरा महत्वपूर्ण कथानक के साथ एक हल्की फुल्की और मनोरंजन फिल्म है। कथानी फिल्म की अच्छी बनी है और इसमें कुछ आकर्षक भान भी है। कलाकारों अभिनय की सराहना है। खासकर उदय चोपड़ा और तुलिप जोशी मिलाकर ये मेरा यार की शादी एक मजेदार फिल्म है जो रोमांटिक कॉमेडी के प्रशंसकों को निश्चित रूप से खुश करेंगी। फिल्म दोस्तों के एक समूह पर केंद्रित है जो उनकी दिग्गज का गलत टाइमिंग के एक क्लासिक मामले के उलझा जाता है। उदय चोपड़ा ने संजय मल्होत्रा की भूमिका निभाई जो एक लापरवाह युवक है जो अपनी रूममेट रिया के साथ मुंबई में अपने कुमारी जीवन के संतुष्ट जिसका किरदार बिपाशा बासु ने निभाया है। जिनका आसान चिंचर्या तब बाधित हो जाता है जब संजय को जीवन बदलाने की लाय भवन कॉल आता है। ये उनकी बचपन की दोस्त अंजलि शर्मा है जिसका किरदार भावनात्मक तुलिप जोशी ने निभाया है और उनकी शादी होने वाली ये खबर संजय के परेशानी में डाल देता है। उसे अंजलि के लिए अपनी भागवाड़ी भावनाओं का एहसास होता है लेकिन वर्षों के दोस्ती से उसे कबूल करने की रोक दिया जाता है। इस बीच अंजलि जिमी शर्गिल द्वारा अभिनीत रोहित खन्ना ने शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्रतीत होता है कि रोहित वो सब कुछ कर रहा है जो लड़कियों चाहते हैं। आकर्षक बल हो जाते अंजलि के लिए एकदम सही। हालांकि अंजलि की अगमत योजना के बाधा उत्पन्न होती है। जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही है संजय अपनी भावनाओं के जुदा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जटिल चिंता से कैसे निपट जाए। जब संजय अंजलि का दिल जीतने की यात्रा पर निकलते हैं उसे पहले की बहुत देर हो जाए। यारिया उसकी हमेशा सहयोग करने वाली विश्वपात्र रहस्य उद्घाटन राहत और सहारा देने लिए एक कंधा प्रदान करते हैं। मेरे प्यार की शादी है यश राज फिल्म्स के तहत के लिए लाभदायक खास साबित हुई जिसमें दुनिया भर में 30 करोड़
की अधिक की कमाई की इस सफलता का श्रेय मनोरंजन तो के उत्तम मिश्रण के दिया जा सकते हैं। अनु मालिक द्वारा रचित सिल्मा के संगीत शीर्षक के ट्रैक और दिल डोलर जैसे आकर्षक धुनों के साथ चार्टबस्टर बन गया है। स्थापित और उतरे हुए अभिनेताओं के मिशन वाले कलाकारों के दमदार प्रदर्शन किया। उदय चोपड़ा, दिशा जासू, जिमी शर्गिल और नवंतुक रूपेंट जोशो की अपने किरदारों के जीवंत कर दिया है, जिसमें कहानी दर्शकों के लिए प्रासंगिक बन गया है। फिल्म का घरेलू प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली या भारत में धर्म अकटी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रूप से स्थान पर उभरी है, जिसमें 24 करोड़ के अधिक की कमाई की। ये सफलता युवाओं के प्रति उसकी मजबूत अपील ने उसकी ऊपरी प्यार दोस्ती तोड़ी रुझान के बारे में हल्की फुल्की कहानी युवा दर्शकों को पसंद आई है। फिल्म के आकर्षक संगीत ने इसकी पहुँच की और बढ़ापा दिया, युवा दर्शकों को सिनेमाघरों का तक खींचा। मेरे प्यार की शादी है को देश में भी सफलता मिली, इसमें वैश्विक स्तर पर 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। यूनाइटेड किंगडम के विशाल भारत प्रवासी ने इस उपलब्धि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की प्रासंगिक कहानी और प्यार को दोस्ती के परिचित विषय के साथ साथ आकर्षक संगीत के विदेशी भारत दर्शकों को प्रभावित किया। विशेष रूप में फिल्म ने अकेले यूके में 263,000 अधिक की कमाई की। फुल मिलाकर मेरे प्यार की शादी में बॉक्स ऑफिस सफलता ने उभरते सितारों के रूप में उतनी प्रमुख अभिनेताओं की स्थिति को मजबूत किया और दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक मनोरंजक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में अपनी जगह पक्की की। गंगा शांति की एक बिगर गवरा के प्रतीन शहर के होकर बहती है, उसकी कोमल धनी और राय खन्ना के जीवन में एक निरंतर संगीत है। एक प्रसिद्ध लावला बादक राव की उंगलियों टकरी आँखों के लेकर परिणित करती थी, लयबुद्ध ताल और माध्यम से प्रेम और लालसा की कहानियों बुनती थी। फिर भी उसका अपना हृदय एक अनबजय हुआ रंगा बना रहा था, खोए हुए अतीत के प्रेम के कारण तार मोड़ रह गए थे। 10 साल पहले उसकी प्रियतमा अंजलि ने अपनी अभरती हुई और कहानी बजाई की दुनिया भर में प्रसिद्ध पाने की जीवन बुना चुका है। एक ताकती दोपहरों में जैसे हवारा ब्रिज के हलचल भरे झूल रहा था, राय की दुनिया के अस्तबस्त किरानों के सामान की टक्कर और घबरा हुई माफी से अस्तबस्त हो गई है। उन्होंने खुद को तारा खन्ना के आमने सामने पाया, एक ऐसी महिला जिसमें उग्र आत्मा उसके साथे पर लगी गई लाल रंग की बिंदी को प्रतिबिंबित करती थी। एक असंभवित मुलाकात जो शायद ही नियति दूसरे कृत्यों की योजना बना रही है। तारा एक अप्रसिद्ध एडीसी मृत्योज्ञान की एक दशक के बारे में अपनी बचपन के शहर की परिचित के सांत्वना की तलाश में हावड़ा लौट आई थी। उनका करियर जो एक समय ऊंची उड़ान भर रहा था, घंटे घुटने की गंभीर चोट के कारण एक रुका गया। वो शहर जो कभी उसके जीवन सपनों का कैनवास था, अब उनके नुकसान के खेकलेपन को गूंज रहा उठा था। उनके प्रारंभिक बातचीत झिझक भरे भ्रष्टाचार से भरे उठी थी। राय तारा की उग्र भावना और उसकी आंखों में चमकती आंसुओं से मोहित होकर उसने लिए एक चरणा लिखने के लिए खुद को तैयार किया। वो तबले के लिए बुद्ध तान तारा के तुरंत दमदूरी तूफान भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हुए प्रभावित हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखों बंद की संगीत में ठीक हो गई, उसका शरीर एक बार झिझक रहे उठे। हरकत करने वाला अस्थाई बोलबाला एक सुंदर समुद्री डाकू उसके भीतर की नर्तकी उजग उठा। दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी दोपहर गंग किनारे चौराहे गए क्षणों में बीत गई। राय ने अपनी सौम्य प्रतिहित में तारा के भीतर नृत्यों की चिंगारी फिर से जग उठी। उन्होंने उसकी सुरक्षाओं की एक ताकत खोई, एक लीचेपन जो गंगा एकदम भावना के प्रतिबिंबित करता था। तारा ने बदले में संगीत की तीव्र प्रति एक जुनून का पता चलाया जिसे वो उसी जानती थी। राय की खूने उनकी प्रतिबिंबित का विस्तार बन गई, उनकी आत्माओं के बीच बातचीत। एक बारिश में भीगी शाम ट्रिस्टर लैब की मंद चमक ने राय ने अपनी बढ़ती भावनाओं को कबूल किया। तारा पहले तो झिझक वही थी क्योंकि उसका अतीत एक निरंतर साझा था, अंत में उससे अपनी तर्सकता छोड़ दी। बारिश की लय उनकी अपनी निजी सेरेनोट बन गई जो शहर की आरजकता के बीच मनप रही एक प्रेम कहानी का प्रमाण है। हालांकि उनका नया प्यार चुनौतियों से रहित नहीं था, सामाजिक उपेक्षा विशेष रूप से राय के बुर्जुआदी परिवार के एक संगीतकार और एक नर्तक के बीच के रिश्ते को नापसंद करती थी। दोनों अपने चरम पर थे। तारा का आत्म संदेह उनकी चोट के कारण भड़का, उसके जुनून की लो की बुझाने की धमकी दी है। हमेशा आशावादी रहने वाली राय ने एक विशेष प्रस्तुति की रचना करने वाले निर्णय लिया। उन्होंने तारा को न केवल अपने शरीर के साथ बल्कि अपने आत्मा के साथ नृत्य करते हुए देखा। उन्होंने स्थानीय संगीतकार के साथ मिलकर धनी की एक ऐसी टेपेस्ट्री बुनी जिसमें हरा का सार शामिल था। स्ट्रीम का लयबद्ध गड़गड़ाहट उसका की भावपूर्ण खींचा
गंगा की कोमल कमल कलकल ध्वनि, प्रदर्शन की रात आ गई, हवा प्रकाश में भर गई, कमकीले लाल रंग की साड़ी में सजी तारा मंच की खींचे पड़ी थी, उसकी आंखों में डर की झलकती राय में उसका हाथ हवराया, उसका मौन समर्थन ताकत और स्रोत बन गया। जैसे ही संगीत के पहले स्वर गूंजे, तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जाने दिया। उसकी गतिविधियों अग्रहों को तकरी सिकड़ा की जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। उन्होंने सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, राय के लिए उसके प्यार अनित्व का जिसमें उसके भीतर आग की फिर से आगाजिया था, उनके बाद उनके लिए गड़गड़ाहट गूंज उठी। तारा की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं विजय के आंसू। उसने ना केवल अपनी डर पर विजय पा ली बल्कि नित्य के आनंद के से खोज लिया था। राय की आंखों में उसने सिर्फ प्यार नहीं बल्कि प्रशंसा और सम्मान देखा, अपने उसकी कमजोरी की देखा जो उसके ताकत को पोषण किया था। उनके एक साथ यात्रा कोई परीक्षा नहीं थी, आत्मसंदेह, सामाजिक दबाव और तारा की सीमाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई के दिन थे। फिर भी उनकी प्रेम कहानी गंगा की तरह हर तूफान का सामना करना था। राय ने रचना करना जारी रखा, उसने संगीत से तारा और अटूट भावना से प्रतीत एक नया उत्साह था। हालांकि तारा भव्य मंचों पर प्रदर्शन करने में असमर्थ थी, लेकिन उसे नृत्यों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवा लड़कियों के सिखाने में सांत्वना मिली। वर्षों बाद गंगा के सामने एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे राय ने तारा की उत्साही लड़कियों के एक समूह को बढ़ाते देखा। उसके हृदय के लड़की एक कमजोर थी, फिर भी उसने वही उपभोक्तृ जुनून था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई क्योंकि वो एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं थी।